Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Reza and welcome to Pen Gravity. इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके ओपिनियन का एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज 2 मार्च 2024. सो जी क्या है आज के टुडे डॉन न्यूज़पेपर के अंदर? इस लेक्चर के अंदर जो है बेसिकली हम इसको दो पोर्शंस के अंदर डिवाइड करते हैं, 1, 2 and 3. ये वो वाला पोर्शन है जो कि एडिटोरियल्स वाला है और ये डेली यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट के लेक्चर अपलोड कर दिया जाता है. दूसरा वो वाला पोर्शन है जो कि पेड है जिसके अंदर हम ओपिनियन का एनालिसिस करते हैं, 1, 2, 3 and 4. ये चार ओपिनियन इनका एनालिसिस किया जाता है और ये एक पेड लेक्चर है. और स्टिल 1 मार्च वाला लेक्चर और 2 मार्च वाला लेक्चर जो है ये आपके लिए एज ए डेमो आप समझ लें या आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से काम किया जा रहा है. अगर आप समझते हैं कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप इस नंबर पर जो है नेक्स्ट पूरे मंथ के जो लेक्चर्स हैं उनके लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. और इसके जो चार्जेस हैं हमने बहुत कम रखे हैं, लेस देन द प्राइस ऑफ अ न्यूज़पेपर रखे हैं. और यहाँ पर अभी आपको पता है CSS के जो हैं कंपल्सरी जो सब्जेक्ट्स थे CSS 2024 के एग्जाम हो गए हैं और आप लोगों के लिए, आप लोग जो थे लेक्चर सुन रहे हैं उनका तो ठीक है, उनको तो क्लैरिटी है. अभी आप 2024 के जो है सारे जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर ऐसे है, करंट अफेयर है, पाकिस्तान अफेयर्स है, खास तौर पर ये वाले 3 सब्जेक्ट्स हैं, इनको अपने सामने रखें. और हमारा जो डिस्कस किया हुआ है, हमने एडिटोरियल्स का एनालिसिस किया है पिछले कई महीनों से, हम इसको कर रहे हैं, ओपिनियंस के एनालिसिस कर रहे हैं और आप उनको देखें और जिन बच्चों ने सुना है वो एनालाइज करें. आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके ये पेपर जो है इजीली इन लेक्चर्स के अंदर से आप कवर हो जाते हैं. आपको कई तरह की जो मेच्योरिटी जो रिक्वायर्ड थी वो हम कन्वे करने में कामयाब रहे हैं और आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि ये जो लेक्चर्स हैं आपके किसी काम के हैं या नहीं है. ठीक हो गया. बाकी हमको तो पता है ये काम के हैं, सो दैट्स व्हाई वी आर इन्वेस्टिंग आवर एनर्जी एज वेल एज टाइम ऑन दिस लेक्चर्स. बहरहाल फॉर ओपिनियन सेक्शन अगर आप लोग आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं फॉर रेस्ट ऑफ द मंथ, मार्च का जो भी महीना है उस पूरे महीने के लिए. ये जो लेक्चर्स हैं ये आपके हेल्पफुल रहेंगे इंग्लिश एसे के अंदर, करंट अफेयर्स के अंदर, पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर, सोशल साइंसेज के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनके जनरल कैटेगरी के जो एरियाज हैं उनको कवर करेंगे, क्रिटिकल अप्रोच आपकी डिवेल्प करेंगे और साथ में आर्गुमेंट बिल्डिंग अप्रोच भी आपकी डिवेल्प करेंगे. एंड अल्टीमेटली दीज टू अप्रोचेज आर वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर इंग्लिश एसे स्पेशली. वैसे तो पूरे एग्जाम के अंदर हेल्पफुल रहेंगी बट फॉर स्पेशली फॉर इंग्लिश एसे एज वेल एज इंटरव्यू में ये आपकी हेल्प करेंगी बिकॉज वी नो द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, ये दोनों चीजें आपकी मिस हैं. स्टिल अगर आप किसी अच्छी एलीट क्लास की यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े देन ये चीजें मिस हैं और ये आपको बिल्टअप करनी पड़ेगी खुद से ताकि आप कंपिटेटिव एग्जाम्स को पास कर सकें. बहरहाल शुरू करते हैं. निगलेक्टेड रीजन्स, निगलेक्टेड रीजन के अंदर बात करेंगे जी और ये हमारा फर्स्ट ओपिनियन होगा और इसके अंदर जो राइटर है उसका फोकस है गिलगित बल्तिस्तान पर. और गिलगित बल्तिस्तान के बारे में राइटर क्या कहता है, देयर इज प्रेशर ऑन द न्यू सेटअप to take Gilgit Baltistan matters seriously. तो ये है बात. इस opinion के अंदर जो writer है वो Gilgit Baltistan की बात करेगा और बात क्या करेगा, वो ये कहता है कि Gilgit Baltistan के अंदर जो है जनाबी अली protest हो रहा था पिछले कई तकरीबन 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, मतलब कई महीने हो चुके हैं. एंड फाइनली वो जो प्रोटेस्ट है वो क्लोज कर दिया गया है, वो बंद हो गया है क्योंकि जो न्यू गवर्नमेंट है वहां पर अब आने वाली भी है, यानी कि तो अब उनकी कुछ डिमांड्स जो हैं इन प्रोटेस्ट करने वालों की वो डिमांड जो हैं वो क्या की गई हैं, फुलफिल कर ली गई हैं, 2 डिमांड्स मान ली गई हैं. ठीक है, तो इस वजह से ये प्रोटेस्ट जो है वक्ती तौर पर क्लोज हो गया है लेकिन नेक्स्ट महीने ये दोबारा से शुरू होगा. तो अभी आपको पता है कि फेडरल गवर्नमेंट सेटअप चल रहा है तो नई गवर्नमेंट को वो ओपिनियन लिखने वाला ये तजवीज देता है कि ब्राय मेहरबानी ये जो गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहे थे इनकी जो वैलिड रीजंस हैं, जो वैलिड इनकी आप समझते हैं डिमांड्स हैं, तो ये जो नई गवर्नमेंट आई है ये इसको सीरियस ले और उनके मसले को हल करे
इससे पहले के देर हो जाए और फिर बाद में आप लोग हाथ मलते हुए रह जाएं। अब वो देर क्या है और हाथ किस तरह से मलेंगे वो आपको मैं अभी इस ओपिनियन के अंदर डिस्कस करके बताता हूं कि अगर आप मसले हल नहीं करेंगे तो कहां कहां नुकसान हो सकता है। सो शुरू करने से पहले जिस तरह होता है डेली, गिलगित बल्तिस्तान पहले देख लें। ये आपका है गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है। और अगर इसको मैं उठाऊं और पाकिस्तान के मैप के अंदर फिक्स करूं तो ये आपको पाकिस्तान के मैप के अंदर नजर आ रहा होगा रेड कलर में जो है, दैट इज गार्ड गिलगित बल्तिस्तान, ये रेड कलर वाला। ठीक हो गया, यहां तक आपको क्लैरिटी होगी। ये आपका पंजाब है, ये आपका सिंध है, ये बलूचिस्तान है और ये है आपका केपीके। ठीक हो गया। और ये है आपका जनाब गिलगित बल्तिस्तान, ये पाकिस्तान पाकिस्तान इंडिया डिस्प्यूटेड एरिया, बेसिकली ये इंडिया इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसका नया नाम रखा गया है। ये है वो वाला हिस्सा कश्मीर का जो किसके पास है, इंडिया के पास है। ये है आजाद कश्मीर का हिस्सा, ये वाला जिसको जो है पाकिस्तान के पास है। ठीक हो गया, यहां तक क्लैरिटी होगी आपकी कि गिलगित बल्तिस्तान कहाँ पे, और साथ में कहोगे गिलगित बल्तिस्तान की बात हम लोग करेंगे। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की बात करते करते जो मसले बने हुए हैं वहां पर, जो मसलों हल नहीं हो रहे, जो लोगों की डिमांड्स हैं, वो डिमांड्स इंटरलिंक करेंगी इस एरिया के साथ भी, क्योंकि ये हिस्ट्री इनकी ऐसी है। इस एरिया के साथ कैसे करेंगी, ये एक और मैप है, यहां से आप देख लें। ये मैं जब वहां पर पहुंचूंगा तो फिर इसको दोबारा से आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे जो यहां की प्रॉब्लम्स हैं वो इनकी प्रॉब्लम्स के साथ अटैच हैं, ठीक है। बहरहाल यहां पर एक चीज सिर्फ बता दूं, ये आपके सामने कश्मीर का मैप है, ठीक है। और ये जो डॉटेड लाइन है इसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। अब ये जो LOC है बेसिकली ये क्या है, ये बिटवीन जो आजाद कश्मीर पाकिस्तान वाला है और जो इंडियन इलीगल ऑक्यूपाइड कश्मीर जो इंडिया वाला है, उसके दरमियान जो बाउंड्री होती है उसको हम कहते हैं LOC। और यहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि यहां तक ये था कश्मीर, आजाद कश्मीर, इससे आगे आजाद कश्मीर नहीं है। ये भी आप लोग जेन नहीं, अक्सर आप बच्चों को पता नहीं होता, ये भी मैं साथ ही बता दूं, ये है पाकिस्तान और ये है यहाँ पर जो इंडिया के पास कश्मीर है। तो ये जो बाउंड्री है ना, जहां पर एक तरफ से इंडिया के पास है ये इलीगल ऑक्यूपाइड कश्मीर है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, इसको हम कहते हैं वर्किंग बाउंड्री। और यहां पर आए दिन जो है वो आपको पता है कि ये उधर मिसाइल फेंक रहे हैं ये, और लेकिन ये वाला जो है ना बेसिकली ये आ जाता है आपका इंटरनेशनल बॉर्डर। इसके ऊपर लड़ाई कभी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसके ऊपर लड़ाई होगी तो फिर जंग शुरू हो जाएगी। तो ये है वर्किंग बाउंड्री और ये है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्किंग बाउंड्री एंड LOC। LOC किसके दरमियान है, आपकी जो दोनों कश्मीर है, जो हमारे पास आजाद कश्मीर है, जो इंडिया वालों के पास इंडियन इलीगल ऑक्यूपाइड कश्मीर है जिसके ऊपर उन्होंने कब्जा किया हुआ, वो वाला कश्मीर और हमारा आजाद कश्मीर, इन दोनों के दरमियान जो बाउंड्री है उसको LOC कहते हैं। और जो इंडिया ने कब्जा किया हुआ कश्मीर है वो, और इधर से दूसरी तरफ से पाकिस्तान लगता है, कश्मीर यहाँ पर खत्म हो जाता है, और ये वाला जो एरिया है, ये वाली जो बाउंड्री है इसको कहते हैं वर्किंग बाउंड्री। और इस बाउंड्री के ऊपर अक्सर आपने सुना होगा क्या होता है कि ये आपस में गोलियां शोलियां चलाते रहते हैं, ठीक है। अभी ये है पूरे का पूरा जो एरिया है, इसके ऊपर मैं बाद में डिस्कस करूंगा जब हम उस पॉइंट के ऊपर पहुंचेंगे जो रेलिवेंट पॉइंट है, ठीक है। तो बहरहाल फिलहाल आप देख लें, ये आपके सामने है कौन सा गिलगित बल्तिस्तान का होल मैप, और उसके बाद अगर हम इसको पिक्चर्स में लेके जे तो अब हम चलते हैं ओपिनियन की तरफ कि यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, ओपिनियन वाला किस चीज के बारे में कह रहा है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो क्या करे, मैटर को सीरियसली ले। ऐसा कौन सा मैटर है जिसको सीरियसली गवर्नमेंट ने लेना है, ठीक है जी। अब चलते हैं ओपिनियन के अंदर के क्या बातें हैं। राइटर ये कहता है कि आफ्टर फी वीक्स ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट, कई हफ्तों के बाद, कई हफ्तों के वीक जो अपना पीसफुल प्रोटेस्ट के बाद क्या होता है, जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हो रहा था सिट इन, वो खत्म हो जाता है, ठीक है ना, खत्म हो जाता है पीसफुल प्रोटेस्ट। कब, जब दो मेजर डिमांड जो है वो गवर्नमेंट मान लेती है, फाइनली एक्सेप्ट कर लेती है, तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था ये क्लोजअप हो जाता है। अब वो डिमांड्स क्या थी, नंबर वन डिमांड ये थी जो मान लेती है, डिमांड्स की लिस्ट बहुत लंबी है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक ओपिनियन के अंदर, लेकिन बहुत लंबी है। तो लेकिन जिसमें से गवर्नमेंट ने मान ली है वो है वीट की सब्सिडी, ठीक है, कि हम जो है वीट को, आपकी जो गंदम है गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देगी,
आगे डिस्कस करता हूं, पहली बात हुई है। दूसरा जो है, जो फाइनेंस एक्ट है 2023 उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, ये दो डिमांड जो है गवर्नमेंट ने मान ली है। अब वीट की सब्सिडी, पहली डिमांड उसमें क्या है, उसमें ये है कि गंदम की जो प्राइस है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल देता हूं, वो 100 रुपए किलो है, तो वहां के लोगों को गवर्नमेंट दे रही होती है 70 रुपए किलो, और उसके अंदर 30 रुपए गवर्नमेंट क्या करती है, खुद से ऐड करती है और इन लोगों को 70 रुपए की गंदम देती है, लेकिन बाकी पाकिस्तान में 100 रुपए किलो ही मिल रही होगी। अब ऐसा क्यों करती है वो आगे बातें बताता हूं, ठीक है। लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट इनको इस तरह से दे रही थी सब्सिडी के थ्रू, 30 रुपए अपने पल्ले से डालकर। लेकिन वहां पर क्या होता है कि बाद में गवर्नमेंट क्या करती है, ये 30 रुपए बंद कर देती है और इनको कहती है जिस तरह सारे पाकिस्तान में 100 रुपए किलो है, आप लोगों को भी 100 रुपए किलोग्राम के देने पड़ेंगे वीट के। तो इसको लेकर ये लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया कि आपने ये जो सब्सिडी थी 30 रुपए की, एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूं, राइट फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, समझाने के इसलिए बता रहा हूं सिर्फ, ठीक है, कि ये जो 30 रुपए की सब्सिडी थी ये क्यों बंद की है, इसके ऊपर लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और अब जो गवर्नमेंट ने क्या किया है, वो सब्सिडी बहाल कर दी है। तो अब एक डिमांड तो ये मान ली, और इसके ऊपर वो कहता है ये जो फ्लोर बैग, तो आटे का जो बैग था उसकी जो प्राइस थी वो बढ़कर डबल हो गई थी इन द पास्ट 2 ईयर्स, और उसको वापस जो 2022 वाली जो प्राइस, प्री 2022 से पहले जो रेट था वहां पर, अब गवर्नमेंट उसको वापस ले आई है, मतलब कि गवर्नमेंट ने अपने से सब्सिडी डाल दी है। एक डिमांड तो ये फुलफिल होगी। दूसरी डिमांड जो थी वो ये थी, ये एक फाइनेंस एक्ट 2023 बनाया गया था, इसको लोगों की, वहां के गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की डिमांड थी कि इसको खत्म कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, ठीक है, तो वो भी डिमांड मान ली है। अब ये फाइनेंस एक्ट 2023 बेसिकली है क्या, ये बेसिकली एक्ट जो था ये इसलिए बनाया गया था ताकि जो है वहां के जो लोग हैं गिलगित बल्तिस्तान के, जिस तरह से बाकी पाकिस्तान के लोग टैक्स देते हैं उनसे भी टैक्स लिया जाए, ठीक है ना, उनसे भी क्या किया जाए, टैक्स लिया जाए। और यही बात वो कह रहा है, वेरियस फीस लेवीज एंड टैक्सेस दो स्मॉल इन अमाउंट एट लीस्ट इनिशियली इंट्रोड्यूस इन द फाइनेंस एक्ट सम सेक्टर्स फॉर आल्सो। तो ये थी बात कि फाइनेंस एक्ट 2023 इसलिए बनाया गया कि गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं उनसे भी टैक्स की कलेक्शन की जाए, और इसके ऊपर वहां के लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि हम टैक्स नहीं देंगे, और अब उनकी ये डिमांड मान ली गई। अब यहां पर एक एक्स्ट्रा बात जो बता देता हूं, जो इस ओपिनियन के अंदर तो बाहर नहीं लिखी हुई, लेकिन वो लोगों की जो डिमांड थी, लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया था कि हाँ वो टैक्स क्यों नहीं देंगे, उनकी डिमांड ये थी बिकॉज के गिलगित बल्तिस्तान के पास आप लोगों ने नेशनल असेंबली की कोई सीट नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वहां पर इनका कोई नुमाइंदा नहीं है, तो ये किस चीज का टैक्स दें। तो वो कहते थे अगर आप लोगों ने हमसे टैक्स लेना है तो हमको क्या करें, पाकिस्तान का हिस्सा बनाएं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली पाकिस्तान का हिस्सा बनाएं, हमें जो है नेशनल असेंबली के अंदर जो है नुमाइंदगी दी जाए, रिप्रेजेंटेशन दी जाए, हमें हमारे यहाँ पर जो इलेक्शंस होते हैं वहां पर नेशनल असेंबली के अंदर रिप्रेजेंटेशन दी जाए, और उसके बाद हमसे आप टैक्स लें, हम आपको टैक्स देंगे, और जब जिस तरह से फिर दूसरे सूबों को आप वापस रिटर्न करते हैं पैसे एनएफसी वार्ड के थ्रू, उस तरह फिर आप हमें भी करें, तो पूरा साइकिल लेना। आप लोगों ने नुमाइंदगी हमको दी नहीं और आप लोग हमसे कहते हैं कि टैक्स दो, तो फिर ये गलत बात है, हम टैक्स नहीं देंगे। बहरहाल ये उनके उनका प्रोटेस्ट था, एक रीजन थी, उस रीजन को जो है गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है, और अब टैक्स जो है, अब उनकी ये फाइनेंस एक्ट जो था इसको यानी कि क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। ये दो मेजर्स उनकी क्या है, बातें मान ली गई हैं और लोगों ने प्रोटेस्ट बंद कर दिया है, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, अब वो कहता है सिंस 1970 से क्या था, वीट के ऊपर सब्सिडी इन लोगों को मिल रही थी, इन लोगों को रिलीफ मिल रहा था मुख्तलिफ किस्म के जो टैक्सेस हैं उनके ऊपर, अब ये क्यों दिया जा रहा था, ये बेसिकली जो भट्टो साहब थे उनके दौर में शुरू हुआ था, ठीक है। और यहां पर जो है एक और बात बता दूं, जैसे पीएए के टिकट्स उसके अंदर इनको रिलीफ दिया जाता था, और भी कई चीजों के अंदर इनको रिलीफ दिया जा रहा था। अब ये रिलीफ इन लोगों को क्यों दिया जाता है, गिलगित बल्तिस्तान को वालों को, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस, तो ये इसलिए दिया जाता है
क्योंकि जो गिलगित बल्तिस्तान है ये एक डिस्प्यूटेड कॉन्स्टिट्यूशन, इसका स्टेटस है, ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, इट इज कंसिडर एज अ डिस्प्यूटेड लैंड, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली ये स्टेटस तो इसका नहीं है पाकिस्तान के साथ की अटैच, वो क्या नहीं है वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरा, यहाँ पर पॉवर्टी, गुर्बत बहुत ज्यादा है, अंडर डेवेलप है, ठीक है ना, तो दैट इज द रीजंस कि जिसकी वजह से क्या किया जा रहा था, इसको जो है ये सारी की सारी सहूलतें दी जा रही थी, सब्सिडी दी जा रही थी, इससे टैक्स नहीं लिया जा रहा था, ठीक है ना। फिर कहते हैं कि पिछले ओवर ओवर अ डिकेड, डिकेड्स कहते हैं 10 साल को तकरीबन, ओवर अ डिकेड जो है मुख्तलिफ जो सक्सेसिव गवर्नमेंट आई हैं उन्होंने कोशिश की कि या तो इनके ऊपर टैक्स लगा दिया जाए, या इनकी जो सब्सिडी है उसको कट ऑफ कर दिया जाए, या फिर यहाँ पर जो लैंड है उसको अक्वेयर किया जाए, लेकिन ये सारे के सारे काम जो है उसके ऊपर पब्लिक ने क्या किया, रेजिस्ट किया, प्रोटेस्ट किया। ये बात होगी अब आपकी, ठीक है, यहां से समझ आ गई। अब आगे जो है, जाने से पहले ये बात कि इनको क्यों टैक्स ये वाले चीजें दी जाती हैं, जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात है कि क्यों इनको ये बेनिफिट्स दिए जाते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस। बाकी पाकिस्तान में भी तो गुर्बत है, बलूचिस्तान के अंदर भी गुर्बत है, बलूचिस्तान भी अंडर डेवेल्प है, केपी की के अंदर भी गुर्बत है, सिंध के अंदर भी है, सारे जिलों में है, कहाँ नहीं है, तो ये नहीं क्यों क्यों आप लोग इस तरह से कर रहे हैं, तो इसकी जो वैलिड रीजन है वो रीजन आपको इस मैप से समझ आएगी। और ये पहले भी मैं ए ओपिनियंस के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपका इंडिया है, ये पाकिस्तान है, और ये है आपका कश्मीर का मसला। कश्मीर का पता है आपको मसला चल रहा है, डिस्प्यूट है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। अब जब कश्मीर का मसला चलता है ना, तो यूएनओ के पास ये चला जाता है मसला 1948 में। यूएनओ ये फैसला करता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, कि जनाब यहां पर करवा दो रेफरेंडम, प्लेबिसाइट करवा दो, ठीक है ना, तो जिस को वोट जिस यानी कि यहाँ पे वोटिंग करवा दो कि इन लोगों ने इंडिया के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ रहना है, तो जिसके हक में ये वोट डाल देंगे ज्यादा, तो ये उसके साथ आप लोग इसको अटैच कर देना। लेकिन इंडिया को पता है कि यहां पर मेजोरिटी जो है कश्मीरी वो मुसलमान है, तो अल्टीमेटली वो प्रेफर करेंगे पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान को जो है वो वोट कास्ट करेंगे, तो लिहाजा जो इंडिया है इस सोल्यूशन से फिरा हुआ है वक्ती तौर पर, वो इसके ऊपर नहीं आ रहा, ठीक है। अब पाकिस्तान इस इंतजार में बैठा है कि कब ये वक्त आए और ये जो है इस चीज के ऊपर आए, वोटिंग के ऊपर आए, और हम जो है फिर वोटिंग करवाएं, और ये गिलगित बल्तिस्तान जो है ये भी वोटिंग करें। अब यहां पर है असल बात कि ये जो कश्मीर आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला असल में जो असल कश्मीर है ना, उस कश्मीर के अंदर गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है, जो हिस्टोरिकल कश्मीर है उसके अंदर ये सारे का सारा शामिल है। सिर्फ इतना सा कश्मीर नहीं है जिस जो हमारे और इंडिया के दरमियान डिस्प्यूटेड है, ये सारे का सारा कश्मीर है, ठीक है ना। ये उसके बाद इसके टोटे टुकड़े हो गए हैं, इसको गिलगित बल्तिस्तान बना दिया, इसको जो है वो वाला कश्मीर बना दिया जो पाकिस्तान के पास है, आजाद कश्मीर, इसको जो है इंडिया वालों ने जो जिसको कैप्चर किया हुआ है वो वाला कश्मीर, ये अक्साई चीन जो है जिसको जो चाइना के पास टुकड़ा है वो वाला कश्मीर, और ये जो है पाकिस्तान ने चाइना को दिया हुआ है वो वाला कश्मीर, तो ये जो है इसके टुकड़े बाद में हुए हैं, लेकिन हिस्टोरिकल 1947 जब पाकिस्तान और इंडिया बनता है तब ये पूरे का पूरा कश्मीर था, पूरी की पूरी स्टेट थी, ठीक है। अब पाकिस्तान इस इंतजार में है कि कब वो जो है 1948 में जब यूएनओ वाली बात हो और ये कहें करवाएं जी रेफरेंडम, तो जब वो रेफरेंडम होगा, वोटिंग होगी, तो अल्टीमेटली वो पूरे कश्मीर के अंदर होगी और उसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल होगा, तो इसलिए फिर क्या है पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को अपना कॉन्स्टिट्यूशनली हिस्सा नहीं बना रहा, इसको पेंडिंग में रखा हुआ है उस दिन के लिए। अगर इसको अपना हिस्सा बना लेता है कॉन्स्टिट्यूशनली, तो फिर अल्टीमेटली फिर ये लोग जो है वोटिंग नहीं कर सकेंगे, वोटिंग में शामिल नहीं हो सकेंगे, तो फिर पाकिस्तान के वोट कम होने का खदशा है, तो पाकिस्तान इसलिए इनको जो है अभी इसका जो स्टेटस है उसको पेंडिंग रखे हुए है, इसको अपना ना तो सूबा बना रहा है ना कॉन्स्टिट्यूशनली इसको जो है अपना हिस्सा बना रहा है, बस इसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, इसको चला रहा है, ठीक है। तो दैट इज द रीजन जो के मेन रीजन है, और इसके साथ साथ इसको सब्सिडी भी दे रहा है, इसको मरात भी दे रहा है, ताकि यहाँ के लोग जो है वो नाराज ना हो जाएं, क्योंकि उनकी नाराजगी जो है वो फिर पाकिस्तान के लिए नुकसान का बाहिस बन सकती है।
होप आपको क्लैरिटी होगी कि क्यों इन्हीं को क्यों वो देर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीच बीच में से जो है ज्यादती भी हो रही है। बहरहाल जैसे हमने अपना लास्ट ओपिनियन डिस्कस किया, उसके अंदर हमने शेड्यूल फोर देखा कि जो भी यहाँ पर प्रोटेस्ट करता है उसको शेड्यूल फोर के अंदर रखा जाता है। अब शेड्यूल फोर क्या था उसके, वो उसकी एक लैला से स्टोरी है, वो भी काफी एक खतरनाक सी चीज है, जो कि खास तौर पर जो बागी होते हैं, जो दहशतगर्द होते हैं, उनके ऊपर जो है लगाई जाती है। तो बहरहाल तो ये है चीज के वाई जो है इनको जो है ये सब्सिडीज वगैरह क्यों दी जा रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली इसको पाकिस्तान का क्यों हिस्सा नहीं बना रहे, ठीक है ना। और जब लोग डिमांड कर रहे हैं कि बना लो और टैक्स ले लो, तो ये फिर क्या करते हैं, उनको अपना हिस्सा नहीं बनाते। तो ये है मेन रीजन, ठीक है। बहरहाल आगे वो कहता है रिसेंट जो डिमोन्स्ट्रेशन हुए हैं ना वहां पर, उनकी कामयाबी का जो है राज जो है वो दो रीजंस है। नंबर वन ये है कि वहां पर जो है ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि ये जो प्रोटेस्ट है इतना लंबा जो है वो चला है। पहले छोटे छोटे प्रोटेस्ट होते थे और खत्म हो जाते थे, लेकिन ये काफी लंबा प्रोटेस्ट चला है। फिर इसके अलावा वहां पर जो वेदर की कंडीशन बड़ी टफ थी, लेकिन इसके बावजूद लोगों जो लोगों ने क्या किया है कि जब तक उनकी डिमांड फुलफिल नहीं हो गई, एक्सेप्ट नहीं हुई, लोग नहीं उठे। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज जो यहाँ पर अवामी एक्शन कमेटी है, इसका बड़ा अहम किरदार रहा है इस प्रोटेस्ट को कामयाब बनाने में। ये जो अवामी एक्शन कमेटी है ना, ये बेसिकली एक अलायंस है पॉलिटिकल, रिलीजियस और ट्रेडर्स यूनियंस का। इन तीनों को मिलाकर ये अलायंस बनाया गया है और इसने जो है इस प्रोटेस्ट को क्या किया है, लीड किया है। और इनके पास 15 पॉइंट्स थे, जो डिमांड की लिस्ट थी वो 15 थी, जिसके अंदर क्या था, मुख्तलिफ चीजें थी, जैसे कि वीट की जो प्राइस है उसको रिड्यूस कर दिया जाए, फाइनेंस एक्ट जो है उसको सस्पेंड कर दिया जाए। ये दोनों चीजें तो इनकी मान ली गई हैं। बाकी उस लिस्ट के अंदर क्या क्या था, लैंड ओनरशिप जो राइट्स हैं वो लोगों को दिए जाएं, ठीक हो गया। गिलगित बल्तिस्तान का एनएफसी अवार्ड के अंदर जो है वो हिस्सा रखा जाए। एनएफसी अवार्ड में पहले भी बता चुका हूँ, नेशनल फाइनेंस कमीशन, जो क्या जिसके जो एक फार्मूला है जिसके तहत जो है फेडरल गवर्नमेंट जो है सारे सूबों को क्या करती है, पैसे हर साल जो है बांटती है, ताकि वो अपने सूबे जो है अपने मामला पूरे साल के चला सके। तो ये एक वो है। इसके अलावा जो रॉयल्टीज हैं फॉर गिलगित बल्तिस्तान फॉर द डैमर बैशर डैम, उसकी बात की जा रही है। इसके अलावा जो बिजली के बड़े लंबे लंबे टाइम पीरियड में बिजली वहां पर चली जाती है, तो उसके बारे में जो है डिमांड थी कि क्यों इतना देर तक जाती है बिजली, इतना लंबा शॉर्टेज क्यों होता है बिजली का, तो ये सारी की सारी उनकी डिमांड थी। और इसके अलावा और भी लिस्ट है। अब ये जो थी ना अवामी एक्शन कमेटी, देखें ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो जैसे मैंने अभी बताया, तो उनको फोर्थ शेड्यूल में रख दिया जाता था पहले, बजाय ये कि इनकी बात को सुना जाए। जो ज्यादा बोलता है, ज्यादा प्रोटेस्ट करता है, उसको जो है स्टेट वाले पकड़ के ले जाते हैं फोर्थ शेड्यूल की कैटेगरी में, उसके ऊपर जो है केस लगा देते हैं। तो फोर्थ शेड्यूल में जो है आपकी जो है प्रॉपर्टी सीज कर ली जाती है, बैंक अकाउंट सीज कर दिए जाते हैं, आप जो है किसी भी पॉलिटिकल कंपेन का हिस्सा नहीं बन सकते, आप जो है एक शहर से दूसरे शहर बगैर इजाजत के नहीं जा सकते। तो काफी इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लग जाती हैं जब आप फोर्थ शेड्यूल में आपको रखा जाता है, ठीक है। ये चीजें होगी, आगे चलते हैं जी। अब वो कहता है कि जो रिमेनिंग डिमांड्स है ना इसके, ये दो तो मान ली है, लेकिन जो बकाया डिमांड्स बताई है ना, जैसे एनएफसी वार्ड का मिलना और ये वाला जो है ब्लड जो है खास तौर पर एनएफसी वार्ड, ये डैमर बैशा डैम, इस तरह की दूसरी जो डिमांड्स है, लैंड की बात है, तो ये जो कहता है ये जो है ना एक्सेप्ट मुश्किल है इनको एक्सेप्ट करना। क्यों? क्योंकि ये तब ही एक्सेप्ट होंगी जब फेडरल गवर्नमेंट जो है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट इसको रन कर रही है, तो वो अपनी पॉलिसीज के अंदर चेंज करे, पॉलिसीज के अंदर शिफ्टिंग करे, तो फिर ये दोबारा बाकी डिमांड जो है मानी जा सकती है, अगर अदरवाइज उनको नहीं माना जा सकता। फिर वो गिलगित बल्तिस्तान की और बात करता है, कहाँ कहता है वहां पर जो है काफी जो फैसिलिटीज की जो है वो अवेलेबल नहीं है, जैसे हेल्थ है, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्ट है और कम्युनिकेशन है। इन एरियाज के अंदर भी क्या है, गिलगित बल्तिस्तान को काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हुए वो कहता है कि डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, क्रिटिकल मशीनरी नहीं है, ठीक है ना, मशीनरी की कमी है, मेडिकल लैब्स की कमी है, और इसके अलावा जो हॉस्पिटल इसके इसकी इन सारे काम की वजह से क्या होता है, वहां पर कई डेथ्स हो जाती हैं। और इसके अलावा जो लंबी लंबे वक्फे के तक जो बिजली जाती है, घंटों तक बिजली चली जाती है, उससे भी जो हॉस्पिटल की फंक्शनल करने की कैपेसिटी है वो भी डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की बात करता है, 20-20 घंटे तक कहता है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चली जाती है। और फिर वो यहां पर आपको साथ ही बता देता है कि एनर्जी क्राइसिस जो है ना वो किस क्यों पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस पैदा हुई है।
देखे ये चीजें, देखे वो बात तो गिलगित बल्तिस्तान की कर रहा है, गिलगित बल्तिस्तान की बात करते करते वो गिलगित बल्तिस्तान के सोशल इश्यूज के ऊपर आ गया, वहां से बात करते करते आप देखें वो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा है, और फिर यहां पर वो आपको साथ ही एनर्जी क्राइसिस के बारे में भी 4-5 पॉइंट्स बता देगा कि एनर्जी क्राइसिस क्यों पाकिस्तान में पैदा हुए, किस चीज का ये रिजल्ट है, ये आप एनर्जी क्राइसिस के टॉपिक के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर एनर्जी क्राइसिस क्यों पैदा हुए हैं जी, लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑन द पार्ट ऑफ सक्सेसिव गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट आई है उनका इंटरेस्ट ही नहीं है नंबर वन, और इसके अलावा जो पोटेंशियल है पावर जनरेशन का उसको टैप ही नहीं किया गया, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो पावर जनरेट करने का जो पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया, एज वेल एज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, यानी कि करप्शन हो रही है इसके अंदर, एनर्जी मिनिस्ट्री के अंदर कोई पूछने वाला नहीं है, प्लानिंग अच्छी नहीं है, मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस जो है वो डेवलप हुए पड़े हैं, और अल्टीमेटली ये एनर्जी क्राइसिस गिलगित बल्तिस्तान को भी क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, और लोग जो है डिमांड कर रहे हैं कि इसको सही किया जाए। और इसके अंदर आगे वो जो एनर्जी क्राइसिस को लेकर ही एग्जाम्पल देता है कि जो सतपारा डैम है स्कर्दू के अंदर, वहां पर टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं और अब वहां पर पानी की भी कमी हो गई है, पहले टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी ना, सतपारा डैम जो है जो स्कर्दू के अंदर है वहां पर पहले टेक्निकल प्रॉब्लम वो फेस करता था, लेकिन अब वहां पर वाटर शॉर्टेज भी हो गया, अब उस डैम के अंदर पानी का आना भी कम हो गया है। अब पानी का आना उसमें कम क्यों हो गया, पहले ये बताने से पहले ये बता देता हूं कि स्कर्दू वाला भाई कहां पर आपको मिलेगा, तो ये जैसे मैंने आपको इसका मैप बताया था गिलगित बल्तिस्तान का, तो यहां पर आपको दे सकते हैं ये आपका स्कर्दू है, ठीक हो गया जी, आपने देख लिया स्कर्दू। अब इस स्कर्दू के अंदर क्या है जनाबी अली, इस यहां पर है सतपारा डैम, अब इस सतपारा डैम के अंदर पहले जो टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही थी ठीक हो गया जी, लेकिन अब यहां पर पानी की कमी हो गई है, यानी कि वाटर का लेवल जो है वो कम हो गया है। अब वाटर का लेवल यहां पर कम क्यों हो गया है, ये काम हुआ है क्लाइमेट चेंज की वजह से। अब यहां पर जो अगर मैं आपसे बात करूं तो देखें टॉपिक हम जो डिस्कस कर रहे हैं ओपिनियन वो डिफरेंट है, उसकी अप्रोच डिफरेंट है, लेकिन उसके अंदर आप देखें चीजें कैसे कनेक्टेड हैं, कि अब यहां पर आप कनेक्ट कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को एनर्जी क्राइसिस के साथ, कि किस तरह से जो क्लाइमेट चेंज है वो एनर्जी क्राइसिस पैदा कर रही है। अभी 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 साबित करके देता हूं आपको, ठीक है ना। अब क्या होता जी, कहते हैं कि होता क्या है, पानी क्यों कम आ रहा है, डिक्लाइन इन स्नोफॉल, स्नोफॉल जो है वो कम हो रही है, और हमने कुछ अरसा पहले एक एडिटोरियल भी किया था जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था स्नोफॉल की कमी का, जो रिपोर्ट आई है कि हर साल की जितनी स्नोफॉल होती है इस साल स्नोफॉल कम हुई है, और जब स्नोफॉल कम होगी तो अल्टीमेटली जो पहाड़ों के ऊपर बर्फ जमेगी, जो ग्लेशियर्स बनेंगे वो भी उनकी तय जो है वो ज्यादा मोटी नहीं होगी, क्योंकि उन्हीं ग्लेशियर्स ने बाद में पिघल कर क्या होना है, पानी आपके दरियाओं में आना है। लेकिन वो कह रहा है कि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है कि स्नोफॉल, क्योंकि गर्मी ज्यादा हो गई है तो स्नो जो है बर्फबारी होना कम हो गई है, जब बर्फबारी होना कम हो जाएगी, ये एक पहाड़ है इसके ऊपर बर्फबारी कम होगी, तो अगर पिछले साल इतनी बर्फबारी हुई थी तो इतनी मोटी तय थी, इस साल जो है थोड़ी बर्फबारी हुई है इतनी छोटी सी तय बनी है, बाद में इसी तय ने पिघल कर पानी लाना है, तो जब तय बर्फबारी कम होगी तो अल्टीमेटली जो ग्लेशियर की जो परत बनेगी, जो तय लेयर बनेगी, वो ज्यादा मोटी नहीं होगी, तो अल्टीमेटली उससे क्या होगा, जब वो पिघलेगी एक सीजन के अंदर आकर, जो उसका सीजन है गर्मियों का, तो फिर उससे जो पानी पैदा होगा वो थोड़ा होगा, और वही पानी जो है दरिया में आएगा, और वही उसी दरिया के आगे आपने क्या किया हुआ है, एक डक्का लगाकर एक दीवार बनाकर डैम बनाया हुआ है, डैम कौन सा हुआ, आपने कोई और चीज का बनाया, दीवार ही है ना, दरिया के रास्ते में दीवार खड़ी कर दो, पानी स्टोर हो जाएगा और आपका डैम बन गया। अब जब पानी पीछे से ही थोड़ा आ रहा है तो जब आप दीवार बना लेंगे तो जाहिर है वहां पर भी पानी का जो लेवल है वो नीचे चला जाएगा, और जब पानी का लेवल थोड़ा होगा, थोड़ा पानी होगा, तो टर्बाइन भी थोड़ा थोड़े टाइम के लिए चलेंगी, जब टर्बाइन थोड़े टाइम के लिए चलेगी तो बिजली भी थोड़ी पैदा होगी, और जब बिजली थोड़ी पैदा होगी तो अल्टीमेटली एनर्जी क्राइसिस डेवलप हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने क्लाइमेट चेंज को लिंक यहां पर कर लिया एनर्जी क्राइसिस के साथ, ठीक है। यही बात वो कह रहा है कि जो सतपारा डैम था स्कर्दू के अंदर, वहां पर टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो चल ही रही थी, लेकिन अब वाटर शॉर्टेज की वजह से क्या हो गया है, वाटर शॉर्टेज भी हो गया है, और इसकी वजह से भी एनर्जी क्राइसिस जो है वो फेस करने पड़े।
अब इतना पानी नहीं है कि वो सुफिशियंट इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सके पूरे टाउन के लिए। अब वो इसके साथ साथ कहता है वर्क ऑन टू मोर स्मॉल डैम प्रोजेक्ट्स वाज हैड शॉर्टेज ऑफ फंड्स की वजह से एंड पुअर प्लानिंग की वजह से वहां पर दो और जो प्रोजेक्ट्स डैम थे उनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रुक चुके हैं और अल्टीमेटली उससे भी क्या होगा बिजली की जो कैपेसिटी एनर्जी के क्राइसिस पैदा होंगे। आगे एक और प्रॉब्लम एक और बात करते हैं द कम्यूट ऑफ द पॉपुलेशन। कम्यूट बेसिकली जो वर्ल्ड है ये यूज किया जाता है ट्रेवल टू एंड फ्रॉम, यानी कि ये दो पॉइंट्स हैं इनके दरमियान आना जाना जिसे कहते हैं कभी इधर गए कभी इधर गए फिर इधर गए फिर इधर गए। तो ये जो कम्यूट ऑफ पॉपुलेशन पॉपुलेशन का जो आना जाना है वो उसके बारे में बात करता है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो नीचे जाते हैं कंट्री में एज द डाउन कंट्री एज द लोकल से इज गेटिंग रिस्की, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये पहाड़ी इलाका है ठीक है आपके घर यहाँ पर है आप जाते हैं नीचे शहर में वहां पर काम करते हैं फिर वापस अपने घर को आते हैं फिर वापस जाते हैं फिर वापस आते हैं तो आना जाना आपका लगा रहता है। अब ये रिस्की हो गया। अब ये रिस्की क्यों हो गया है क्योंकि लैंड स्लाइडिंग का मसला वहां पर बहुत ज्यादा हो चुका है, खास तौर पर जो ट्रैफिक है उन वो भी कराक्रम हाईवे के ऊपर जो ट्रैफिक है वो भी डिस्टर्ब हुई है इस लैंड स्लाइडिंग की वजह से। लैंड स्लाइडिंग अब क्या होता है आपको पता ही है कि जो ये जो पहाड़ी इलाके हैं खास तौर पर वहां पर क्या होती है जमीन जो एकदम से पहाड़ की वो सिरक जाती है सारी की सारी नीचे आ जाती है। लैंडस्लाइड हैव डैमेज द रोड ऑन सेवरल एट सेवरल पॉइंट्स रिस्ट्रिक्ट द मोबिलिटी ऑफ पीपल, तो रोड के ऊपर आ जाती है रोड बंद हो जाते हैं और रिस्ट्रिक्ट क्यों हो जाती है मोबिलिटी। अब ये कराईक्रम हाईवे ये भी आपको बता देता हूँ ये पाकिस्तान है ये आपका चाइना है और इनके दरमियान एक सड़क बनाई गई है ऐसे इसको हम कहते हैं कराईक्रम हाईवे ठीक हो गया। और अगर मैप से आप देखें तो ये है कशगार है ये MCQs जो है आपके PMS उसमें भी पूछा गया है इसकी लेंथ के बारे में इस गैप लिया आई थिंक सो 1979 मुझे ज़्यादा कन्फर्म याद नहीं है 78 या 79 तब ये कंप्लीट हुई थी और ये कशगार से शुरू होती है और यहाँ पर ये पाकिस्तान में जो है इस्लामाबाद वाली साइड पर यहाँ तक ये चलती है इस्लामाबाद में ठीक हो गया जी। और ये इसको कहते हैं ये यहाँ पर आपका कंजरा पास है यहाँ से जो गुजर के जाती है ठीक है और अल्टीमेटली इट पासिस थ्रू आपका जो क्या है गिलगित बल्तिस्तान। तो ये है जी इसके बारे में भी आपने जो है कराक्रम हाई के बारे में भी एज इस ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों ने देख लेना है अगर आप PMS में जा रहे हैं तो GK के पेपर के अंदर जो है आपको ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं ठीक है जी। आगे चलते हैं पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर वो ये कहता है कि ये जो AAC है जो कि अलायंस बनाया गया था पीछे जिसके ऊपर मैंने बात की थी कि ये जो अलायंस है अवामी एक्शन कमेटी AAC, अब ये जो अवामी एक्शन कमेटी है ये अपना प्रोटेस्ट जो है उन्होंने अभी तो बंद कर दिया लेकिन वो दोबारा शुरू करेंगे ठीक है ना दोबारा से वो शुरू करेंगे फॉर व्हाट अपनी जो रिमेनिंग डिमांड्स है उनको फुलफिल करने के लिए। अब गिलगित बल्तिस्तान के डिस्प्यूट को लेकर जो ओपिनियन है वो डिवाइड हो चुका है दो हिस्सों के अंदर। एक तो है जो पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर्स हैं वो ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दी जाए और गिलगित बल्तिस्तान को एक सूबा बनवा दिया जाए ये तो एक एक जो पोर्शन है उसकी ये डिमांड है। दूसरे जो हैं जो नेशनलिस्ट हैं वो क्या कहते हैं वो ये कहते हैं कि सेल्फ रूल होना चाहिए इन देयर लोकल अफेयर्स एज पर यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन सेल्फ रूल होना चाहिए या फिर आजाद कश्मीर की टाइप का सेटअप आप लगा दे इसको सूबा ना बनाए। यानी कि दो हिस्सों में डिवाइड हो चुके हैं अब AEC को लेकर पॉलिटिकल फ्रंट्स के ऊपर वहां पर दो ओपिनियन चल रहे हैं कि नंबर वन या तो इसको प्रोविंस बना दिया जाए या नंबर टू या इसको जिस तरह से आप लोग आजाद कश्मीर को जो है रन कर रहे हैं उस तरह से रन कर लें या फिर इसको सेल्फ रूल यानी कि जो डिमांड वो कर रहे हैं ये दो काम में से आप लोग एक काम करते हैं। बहरहाल ये फाइनल है कंक्लूडिंग है पैराग्राफ बड़ा प्यारा लिखा है ये पाकिस्तान की बहुत सारी प्रॉब्लम जो है ये आप जब डिस्कस कर सकते हैं तो ये यही बड़ा प्यारा वेल डिफाइंड लिखा हुआ है तो मुझे वर्ल्डिंग इसकी बहुत प्यारी लगी सो डैट्स वाई मैंने इसको यहाँ पर लिखा है और इसको मैं पढ़ूंगा अभी आपने इसको सुनना है। और ये कहता है कि जो न्यू गवर्नमेंट है विल हैव टू टेक अप चैलेंजिंग टास्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान तो उसको ये जो चैलेंज है ना इसको लेना चाहिए सीरियसली लेना चाहिए इस चैलेंज ताकि गिलगित बल्तिस्तान की बेहतरी हो सके। कहता है पाकिस्तान जो कि ऑलरेडी जिसको प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी की और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का क्राइसिस का शिकार है वो इस और प्रॉब्लम्स जो है वो फेस अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये जो पाकिस्तान की अप्रोच होती है ना लिंगरिंग ऑन इश्यूज लटकाए रखना काम को ये छोड़ दे अपनी आदत और अर्जेंट अटेंशन जो है उसकी ज़रूरत है ताकि इस प्रॉब्लम को हल किया जा सके जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस गिलगित बल्तिस्तान की जो प्रॉब्लम है उनको हल कर दिया जाए। और ये कब होगा जब आप पेंडिंग इश्यूज जितने भी हैं उनको रिजोल्व करेंगे अर्जेंट
प्रैक्टिकल स्टेप्स लेंगे जो जरूरी हैं उसके ऊपर। और द ओनली वे फॉर द गवर्नमेंट टू अपग्रेड द रीजन सेटिस्फाई द पॉपुलेशन एंड बिल्ड ट्रस्ट अमंग द पब्लिक इज टू डिस्प्ले इट्स कमिटमेंट एंड सीरियसनेस दिस टाइम। कि इस दफा जो नई गवर्नमेंट है वो क्या करे, लोगों की बात सुने, लोगों की डिमांड को सुने, उनके जो वैलिड डिमांड्स हैं उनको फुलफिल करे, सेटिस्फाई करे पॉपुलेशन को, ताकि उनको लगे कि वो इस मुल्क का हिस्सा है, उनको जो है ना दुचकारे नहीं, उनको प्रेस ना करे, ठीक है, उनके ऊपर फोर्थ शेड्यूल ना लगाए, उनके जो राइट्स हैं वो उनको दे, ताकि वो इस मुल्क के साथ अटैच हों, खुश हों कि हाँ ये ही हमारा मुल्क है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्या है, वो मुल्क के खिलाफ उनके दिल में नफरत पैदा होगी, और जब नफरत पैदा होगी तो फिर अल्टीमेटली वो इस मुल्क से जुड़ना नहीं चाहेंगे, इस मुल्क से अलहदा होना चाहेंगे, और फिर वो पाकिस्तान के नुकसान में होगा। और बहुत से एक्टर, फॉरेन एक्टर्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ये अलहदा हों और पाकिस्तान ब्रेक हो, पाकिस्तान कमजोर हो। ये सारी चीजें थी जो इस ओपिनियन के अंदर राइटर ने डिस्कस की। पेपर परस्पेक्टिव में अगर मैं इसको और एलैबोरेट करूं तो गिलगित बल्तिस्तान की हमने बात की, यहां पर कश्मीर का इसके साथ लिंक वो मैंने डिस्कस कर दिया। अब वहां पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ही हो रही है, जब उनकी डिमांड्स हैं फुलफिल नहीं हो रही। अभी जो और लिस्ट बड़ी लंबी थी, लेकिन जितनी ओपिनियन वाले ने लिखी मैंने कोशिश किया कि उन्हीं को डिस्कस करूं, वरना वहां पर लैंड का इशू भी चल रहा है कि लोकल्स की जो लैंड्स है वहां पर रिसोर्सेज का भी इशू चल रहा है कि गवर्नमेंट चाहती है उस रिसोर्सेज को यूज करे, लेकिन लोग कहते हैं नहीं करने देंगे। लैंड गवर्नमेंट कहती है जो किसी के नाम नहीं है वो स्टेट की है, तो वो कहते हैं नहीं अभी तक नहीं, अभी हम क्योंकि स्टेट का पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है लिहाजा ये लैंड भी हमारी है, और भी काफी ऐसी चीजें। तो बहरहाल जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करें, अगर नेशनल इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अगर उनके राइट्स की वायलेशन होगी तो नेशनल डिसइंटीग्रेशन होगी, और डिसइंटीग्रेशन करने के लिए इंडिया रा बहुत एक्टिव है, अफगानिस्तान के तरीके तालिबान पाकिस्तान तो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है, टेररिस्ट वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो है कुछ एरियाज जो है जो कुछ लोग जो है उनके ह्यूमन उनके राइट्स की वायलेशन हो और स्टेट उनके राइट्स की वायलेशन करे, और हम लोग जो है उनकी तरफ हमदर्दी का हाथ बढ़ाएं और उनको अपनी जो है पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करें, और उससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। सो जी बहरहाल ये था इसके अंदर मुख्तलिफ डिफेंशन थी फर्स्ट ओपिनियन के अंदर जो आपके साथ मैंने डिस्कस कर दी है। नेक्स्ट जो आपका ओपिनियन है, मदर्स मिल्क मदर्स चॉइस, इसके अंदर जो राइटर हैं नवेरिया अली बंगेश, अब ये क्या कहती हैं, ये बेसिकली बात इतनी सी है जो इसका क्रक्स है वो आपके साथ रख देता हूं, उसके बाद फिर इसके अंदर जो बातें हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्रक्स क्या है, बेसिकली क्रक्स वो ये कहती हैं कि सेनेट ने अभी एक बिल पास किया है, पाकिस्तान का जो सेनेट है अपर हाउस जिसे हम कहते हैं, उसने एक बिल पास किया ब्रेस्ट मिल्क जो है उसका सब्स्टिट्यूट उसको डिस्करेज किया है। यानी कि एक माँ है एक बच्चा है, अब माँ जो है उस बच्चे को दूध पिलाती है अपना, लेकिन माँ कहीं मसरूफ है, जॉब करती है, फैक्ट्री में जाती है, लेबर काम करती, कुछ भी करती है, और माँ अवेलेबल नहीं है, तो उस बच्चे ने तो फीड करना है, उस वो मिल्क कहाँ से फिर देगा, खुराक उसकी क्या है। तो उसके लिए जो है मार्केट के अंदर आपको पता है मुख्तलिफ किस्म के जो आर्टिफिशियल मिल्क्स हैं जो सब्स्टिट्यूट हैं माँ के दूध का, वो अवेलेबल हैं, तो वो बच्चे को पिला दिए जाते हैं। लेकिन सेनेट ने इस चीज़ के ऊपर कहा है, इस चीज़ के ऊपर एक बिल पास किया है और इस चीज़ को डिस्करेज किया है, और कहा यह है कि मैक्सिमम जो है यही होना चाहिए कि माँ ही बच्चे को क्या करे अपना दूध पिलाए, बच्चे को ये जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है ना जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं उनसे बच्चे को बचाया जाए। तो ये है एक बात, और इसके ऊपर वो फिर लिखती हैं कि जो दूध है वो है माँ का, तो चॉइस भी माँ की होनी चाहिए कि वो पलाए या ना पलाए, ये उसकी कंडीशंस के ऊपर है कि अगर वो बिजी है, अगर वो नौकरी करती है या क्या काम करती है, तो अगर वो नहीं पला सकती तो वो सेकेंडरी सोर्सेज को यूज कर सकती है। क्योंकि कहती है जो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर है ना वो ऐसी इन्वायरमेंट जो है प्रोवाइड कर ही नहीं सकता जहां पर जो वर्किंग मदर्स हैं वो अपने बच्चों को क्या कर सके, दूध पिला सके, ठीक है, अपना जो उनका अल्लाह ताला ने जो एक सिलसिला बनाया है ब्रेस्ट के थ्रू वो उनको दूध अपना पिला सके। तो ये बेसिकली ये इसके ऊपर है
तो इसको अगर मैं कहूं वैसे तो ये वुमन के ऊपर आएगा, लेकिन अभी जब आप इसको डिस्कस करेंगे तो ये वुमन की हेल्थ को भी डिस्कस करेगा, ये इकोनॉमी के ऊपर भी बात कर लेगा, ठीक है, और ये इसी तरह से दूसरी चीजों के ऊपर भी आपकी बात हो जाएगी। तो दो चीन एरिया स्पेशली कौन जो आपका कौन आप कह रहे सेंटर रहेगा आपकी डिस्कशन का, वो वुमेन ही रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ फिर सराउंडिंग एरियाज में दूसरे जो डिमेंशन है उनको भी ये टच कर देगा। ठीक है, तो बात कहाँ से शुरू करते हैं जी। बात को कहता है ओपिनियन वाला कि पिछले महीने सेनेट के अंदर अप्रूव होता है, क्या अप्रूव का सेनेट अप्रूव करता है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन बिल 2023। ये बिल का नाम है, याद करने की जरूरत कोई नहीं है, ये रोज आते रहते हैं, इतने बिल याद पेपर में आपको याद भी नहीं रहेंगे, आपने जो जनरल कंसेप्ट जो मैंने अभी आपको बता दिया बस वो अपने जेहन में रखना है, बाकी छोड़ देना, ठीक है। इसको ना आप करंट अफेयर में लिख सकते हैं ना पाकिस्तान अफेयर में, रोज ये आ रहे होते हैं तो ये फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक हो गया। तो बस सुन लें आप इसको। अब इसका एम ये था कि डिस्करेज किया जाए द यूज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क सब्सिट्यूट, सब्सिट्यूट होता है अल्टरनेट जिसको कहते हैं, तो ब्रेस्ट मिल्क का जो सब्सिट्यूट अल्टरनेट है इस चीज को क्या कर दिया जाए, डिस्करेज कर दिया जाए, ठीक है। ये किसने बिल पास किया, सेनेट ने। अब इससे पहले कि मैं आगे चलूं, आगे इसकी डिस्कशन को लेकर चलूं, तो पहले सेनेट के ऊपर हल्की सी नजर मार लें कि ये सेनेट जिनको नहीं पता, क्योंकि कई बच्चे बिल्कुल जीरो मीटर से आए हैं, अभी यूनिवर्सिटी से निकले हैं, और खास तौर पर वो वाले जो हमारी तरह मैथमेटिक्स या इस सब्जेक्ट्स के साइंटिफिक सब्जेक्ट्स इन्होंने पढ़े हुए हैं, तो उनके लिए तो ये काफी मुश्किल हो जाता है इनिशियल डेज में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। ये है गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान, एग्जेक्टिव गवर्नमेंट आपका जो है, अब एक ब्रांच है, पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, जो पार्लियामेंट है ना बेसिकली आपका, उसके तीन जो है पाकिस्तान में पोर्शन हम करो कर देते हैं, प्रेसिडेंट, अपर हाउस, लोअर हाउस। लोअर हाउस के अंदर आती है नेशनल असेंबली और अपर हाउस में होता है आपका सेनेट, ठीक हो गया जी। अब ये जो सेनेट साहब है ना, इन्होंने क्या किया है आपका, किया है एक अप्रूव किया है एक बिल, ठीक हो गया जी। अब ये जो सेनेट आपने देख लिया, ये है सेनेट आपका जिसने ये बिल क्या है अप्रूव किया पार्लियामेंट के अंदर। यहां तक बस दिखाना मतलब था, बाकी हल्का सा और अगर आगे जाना है तो ये एक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, या खुद आराम से यहाँ पर इसको पॉज कर लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा। नेशनल असेंबली की यहाँ पर डिटेल है, ये प्रेसिडेंट है आपका और ये आपका सेनेट है, ठीक है, और ये आगे इसकी डिटेल है, इसकी 100 सीटें हैं और ये सारी की सारी, और ये इसकी नेशनल असेंबली की ये इतनी सीटें हैं और ये इसकी सारी सारी, ये सारे के सारे कौन से, ये आपकी ब्रांच, इसको हम कहते हैं पार्लियामेंट, इसको कहते हैं लेजिस्लेटिव ब्रांच। बेसिकली पाकिस्तान का जो गवर्नर स्ट्रक्चर है वो तीन पॉइंट्स के ऊपर है, वन आपका ये और सेकंड ये और थर्ड है ये, इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पार्लियामेंट है जिसको हम लेजिस्लेटिव ब्रांच कहती है, जो कानून बनाती है, एग्जेक्टिव उन कानून को क्या करती है, इंप्लीमेंट करवाती है, और अगर कोई वायलेशन करे तो उसको फिर जुडिशरी के पास ले आते हैं, जुडिशरी उसको सजा देती है, और फिर आगे ये फिर आगे सारी की सारी इसकी सब हेडिंग्स है, ठीक हो गया जी। तो ये बस हल्का सा आपको इसका टच करवाना जरूरी था, तो सेनेट ने पास कर दिया ये वाला, ठीक हो गया। नवंबर के अंदर कहता सेनेट में क्या हो रहा था, नवंबर में वहां पर एक हीटेड स्पेच थी इस बात के ऊपर कि ये जो ब्रेस्ट मिल्क का सब्स्टिट्यूट है वो इंपोर्ट किया जा रहा है और सेल किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के पास डॉलर्स की पहले ही कमी है, एक चीज ये भी प्रॉब्लम है, तो यहां पर बड़ी ये बातें हो रही थी, और एक तो डॉलर्स की कमी है, इम्पोर्ट किया जा रहा है, दूसरा जो इम्पोर्ट किया जाता है उसकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड ऑफ फार्मूला मिल्क जो है उसके ऊपर बात हो रही थी, हेल्थ कंसर्न्स, माल न्यूट्रिशन अमंग बोथ मदर एंड चिल्ड्रन, इसके ऊपर बात हो रही थी पिछले महीने, और साथ साथ जो है क्रिटिसाइज किया जा रहा था जो वुमेन्स को कि वो क्यों अपनी चॉइस करें, क्यों आप मतलब कि अपनी मर्जी करें, वो क्यों नहीं दूध पिलाती, तो ये बातें हो रही थी, और यहाँ पर वो फिर वो कहता है कि ये बातें तो हो रही थी, लेकिन एक बात तो है कि जो फार्मूला मिल्क है जो खुद से हम लोगों ने बनाया हुआ है वो हमेशा सेकेंडरी है टू मदर मिल्क। अब यहाँ पर मैं इससे पहले के आगे चलूँ, अब यहाँ पर आपने दो तीन चीजें देखी कि अब जो मदर का मिल्क नहीं पिला रहे, ठीक है, वो जो मुख्तलिफ रीजंस हैं मैं उस पर बाद में जाता हूँ, लेकिन अभी जो नहीं पिला रहे तो उसका देखें पाकिस्तान को क्या नुकसान हो रहा है। नंबर वन, आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है ये चीज, आपके पास डॉलर्स तो पहले ही नहीं है तो आपको ये इंपोर्ट करना पड़ता है, एक चीज। नंबर टू, इसके अंदर जो है ये अगर न्यूट्रिशन के हिसाब से देखा जाए तो इसकी क्वालिटी वो नहीं है जो मदर के मिल्क की है, दूसरी बात। अब इन दो बातों को अगर मैं कम आगे लेकर चलूं तो यहाँ पे अल्टीमेटली एक बच्चा जो है जो ये वाला न्यूट्रिशन मिल्क, ये वाला मिल्क पी रहा है, फार्मूला मिल्क पी रहा है, वो उस बच्चे से कम उसकी जो है मेंटल ग्रोथ होगी जो मदर मिल्क जो है यूज कर रहा है,
और अल्टीमेटली अगर ज्यादा बच्चे हमारा फार्मूला मिल्क पर लग जाएंगे तो उससे मदर की सेहत को और बच्चे की सेहत को दोनों को नुकसान होगा। बच्चे को कैसे होगा, बच्चा जो है बड़ा होकर उस लेवल का बंदा नहीं बन सकेगा जो उसको बनना चाहिए, उसकी जो वो पोटेंशियल नहीं उसके अंदर होगा जो होना चाहिए, उसकी वो ग्रोथ नहीं होगी, और अल्टीमेटली उसकी जब मेंटल ग्रोथ के ऊपर भी इफेक्ट करेगा, उसकी क्रिएटिविटी के ऊपर, उसकी डिस्कवरीज के ऊपर भी, उसकी इन्वेंशन के ऊपर भी इम्पैक्ट करेगा, और अल्टीमेटली वो फिर आगे लॉन्ग रन में पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी डिस्टर्ब करेगा। लेकिन अगर मदर मिल्क पे यूज करवा रहे हैं बच्चों को तो ज्यादातर चांसेस ये हैं कि बच्चे जो है मेंटली स्ट्रांग होंगे। आगे फिर दूसरे फैक्टर्स भी हैं, देखें उनको कैसे इन्वायरमेंट देते हैं वो एक बात की बातें हैं, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। बच्चे जो है वो अगर मदर का मिल्क पीकर बड़ा हो रहा है तो उसके जो है मेंटल लेवल बेहतर होगा, अगर उसको अच्छी इन्वायरमेंट दी जाएगी, उसको पॉलिश किया जाएगा, क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी, तो वो अल्टीमेटली कोई अच्छी ऐसी इन्वेंशन करेगा, ऐसी डिस्कवरीज पाकिस्तान के इन्वेंशन, ऐसी पाकिस्तान के लिए इन्वेंशन करेगा जैसे आईटी का दौर है, तो उससे क्या होगा वो वाली इन्वेंशन को पाकिस्तान इस्तेमाल करके अच्छे खासे पैसे भी कमा सकता है जिस तरह जापान वाले कर रहे हैं। एक चीज तो ये बच्चे की डायरेक्शन में होगी। दूसरा आ जाते हैं मदर के ऊपर, वो माएं जो दूध अपना जो है ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती, दे हैव मोर चांसेस टू ब्रेस्ट कैंसर एज कम्पेयर टू अदर वुमेन्स, ठीक है ना, उन माओं को ब्रेस्ट कैंसर होने का ज्यादा खतरा होता है, और डिसीजेस फिर अल्टीमेटली उनकी हेल्थ के हेल्थ को भी नुकसान होगा, और जब वो उनको ब्रेस्ट कैंसर होगा तो फिर पाकिस्तान के पास फिर पैसे नहीं है, फिर दवाई भी हमने इम्पोर्ट ही करनी है, फिर डॉलर भी लगेंगे, मदर की हेल्थ भी खराब होगी और जानी नुकसान भी है। तो इसको अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये सारा नुकसान ही नुकसान है अगर मदर जो है वो अपना मिल्क नहीं बच्चे को पिला रही। ठीक हो गया जी। आगे फिर जाहिर है क्यों नहीं पिला रही, उसकी मल्टीपल रीजंस हैं, काम पे जा रही है या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। बहरहाल कहता है कि जितनी भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है सब ने इसी चीज के ऊपर जो है फोकस किया है कि माँ का दूध ही सबसे अच्छा न्यूट्रिशन है बच्चों के लिए, उसी को पिलाया जाए। अब कहता है जो हमारे पॉलिसी बनाने वाले हैं वो बिल्कुल इग्नोर हैं इस चीज से, ठीक है ना, उनको पता ही नहीं है जो रूरल और अर्बन वुमेन्स जो हैं जो बच्चे पालती हैं उनकी क्या रियलिटीज हैं। तो पॉलिसी बनाने वाले अपनी मर्जी से पॉलिसी बना देते हैं, जैसे सेनेट वालों ने बना दी है कि जनाब इसको इनकरेज किया जाए और जो है ना डिस्करेज किया जाए जो अल्टरनेट फार्मूला मिल गया उसको। और यहाँ पर फिर वो आगे एक बात बताती है, कहती है मेरी माँ जो थी 1970s में, जब 1970s की बात करती है, 1970s में खैबर पख्तूनख्वा में हम रहते थे, और उसने बताया कि हमारे गांव की जो औरतें हैं वो काम करने जाती थी बाहर खेतों, तो वो और बच्चे जो थे बेसिकली छोटे होते थे तो वो फिर काम नहीं करने देते थे, इरिटेशन करते थे, डिस्टर्ब करते थे, तो वो क्या करती थी जो अफीम होती है ना हल्की सी बच्चों को सुंगा कर चली जाती थी, जो बच्चे फिर सोए रहते थे और वो वहां पर काम करती रहती थी। लेकिन बाज औकात जो है इस एक्ट से क्या होता था कई बच्चों की डेथ भी हो गई थी। तो वह कहती है इट वॉज नॉट इजी फॉर इवन रूरल वूमेन कि वो जो है फीड करवा सके अपने बच्चों को जब वो जबकि वो मेंबर हो ऑफ एक्टिव मेंबर हो वर्क फोर्स का, यानी कि ये एक जो गांव में रहने वाली औरत है उसके लिए भी बड़ा मुश्किल है कि वो अपने बच्चों को फीड करवा सके अगर वो एक वो काम कर रही है कहीं कम पर, यानी कि एक वो एक्टिव मेंबर है वर्क फोर्स का, किसी का काम करती है। तो शहर वाली औरतों को तो फिर अल्टीमेटली फिर इससे भी ज्यादा होगा, अर्बन सेटिंग्स के ऊपर और ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। यहाँ पर तो कहता है माएँ 18-18 घंटे जो है ड्यूटी करती हैं, कहीं उनके इतने वर्किंग आवर्स हैं, और प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर जो खास तौर पर वो औरतें जो फैक्ट्रीज के अंदर काम करती हैं उनके लिए और मुश्किल हो जाएगा कि अगर बच्चा पैदा हुआ तो वो कैसे उनको अपना दूध पिला सकती हैं। ठीक है, तो ये वो आपको बताता है कि क्यों जो है फार्मूला मिल्क जो है उसकी जरूरत है। ठीक है, आगे वो कहता है कि रिसर्च पब्लिश होती है इंटरनेशनल जर्नल फॉर इक्विटी इन हेल्थ इन 2021 ब्रेस्ट फीडिंग एट द वर्क प्लेस। ठीक है, अब ये क्या कहती है, ये कहती है कि जो लिंक है ना बिटवीन मटर्नल एम्प्लॉयमेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग रेट्स, ये चीजें जो है बताती है ये रिसर्च, ये सारी वाली चीज। ठीक है, इनके अंदर क्या है कि हाउ वर्क प्लेस इंटरवेंशन आर नीडेड टू प्रमोट करनी चाहिए, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग, जो जहां पर औरतें काम कर रही हैं उन जगह को इस काबिल बनाना चाहिए कि वो अपने बच्चों को फीड करवा सकें, और डेवलप कंट्रीज के अंदर इसके ऊपर वर्किंग हो भी रही है। आगे वो कहता है एक नई बात कर देता है कि इससे क्या होगा कि आगे वो कहता है कि जब ये वाली बात जैसे हमने पीछे की तो जिस तरह से वो काम करनी है तो फिर जाहिर है उनको एक चॉइस होनी चाहिए ना कि वो एक चॉइस होनी चाहिए कि वो क्या करना चाहती हैं, और साथ में साथ हेल्थ का भी इशू होता है उनको बाज़ ऐसा होता है कि औरतें इतनी कमजोर होती हैं कि उनका ब्रेस्ट मिल्क आ ही नहीं होता, प्रोड्यूस ही नहीं होता। ठीक, क्यों, क्योंकि वो अंडर न्यूट्रिशन होती हैं और उनकी
जो डाइट होती है इतनी अच्छी नहीं होती, यानी कि बाज औरतें इतनी कमजोर होती हैं कि वो उनकी बैलेंस डाइट होती नहीं है, इन उतनी खुराक उन्होंने कभी खाई नहीं होती जितनी जरूरत होती है। तो अल्टीमेटली उससे क्या होता है, उनका जो दूध है इतना पैदा नहीं होता कि उनके बच्चे को पलाया जा सके। और यहाँ पर ही वो कहता है कि पाकिस्तान की जो नेचुरल न्यूट्रिशन सर्वे है ना 2018 का, वो क्या कहता है कि डेफिशिएंसीज हैं हमारी औरतों के अंदर जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशंस की, और ये वो वाली औरतें जो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर पहुंच जाती हैं, यानी कि इस एज की होती हैं, यानी कि 18+ हो जाती हैं। अब आप उनकी शादी कर दें, उनके अंदर बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी होती है, वो क्या हो जाती हैं, बालग हो जाती हैं। तो इनके अंदर जो है रिप्रोडक्टिव एज के अंदर औरतों के अंदर डेफिशंसीज है, जैसे कि 14.4% औरतों के अंदर ये डेफिशंसीज मौजूद है। अंडरवेट है जी 14.4% आपकी, अनीमिया है 41.7% औरतों को, विटामिन ए की डेफिशिएंसी भी है साथ, ठीक है ना। मालन्यूट्रिशन अमंग मदर्स एंड चिल्ड्रन जो है ये अवेलेबल है। अनीमिया जो होता है बेसिकली ब्लड की कमी को कहते हैं, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो आपके इतने नहीं होते जितने होने चाहिए। तो अनीमिया में आप देख सकते हैं ये अनीमिया है, ये एक नॉर्मल है, रेड ब्लड सेल्स आपके सामने है ज्यादा है, इसके थोड़े हैं। तो अनीमिया कंडीशन है जिसके अंदर जो बॉडी है ना उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स इतने नहीं होते। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन लाते हैं, आपको पता है हीमोग्लोबिन इनके अंदर होती है, मेडिकल के स्टूडेंट्स जानते हैं। और ये क्या करते हैं, और आपने बाकी जो है आपका जनरल साइंस एंड एबिलिटी का उसके अंदर आपने ये पढ़ा होगा सीएसएस वालों ने भी, ठीक है। क्योंकि ये क्या होते हैं बेसिकली हीमोग्लोबिन जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, इनके अंदर होती है रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो कि ऑक्सीजन लेकर आती है, ठीक है। तो इसकी कमी की वजह से क्या होता है, जिसकी कमी को हम इस डिसीज को अनीमिया कहते हैं। यूनिसेफ क्या कहती है, यूनिसेफ ये कहती है जनाब अली के पाकिस्तान की जो मेटरनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी है 2022 और 2027 की, कि किस तरह से जो माएँ हैं उनकी जो न्यूट्रिशन है उसको बेहतर किया जाए, वो जो फ्रेमवर्क है ना वो एक पूरा डिवाइस किया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर अभी वर्किंग हो रही है। तो ये यहाँ तक दो है बात है। यूनिसेफ भी आप देख ले क्या है जी, यूनिसेफ बेसिकली होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ये जो है एक्टिव हुआ था 1946 के अंदर, और न्यूयॉर्क में इसका क्या है हेडक्वार्टर है। तो ये है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ। अच्छा जी, अब जो है फाइनल बात है ये इसकी, अब फाइनल बात ये है, कहता है ये है कि इट अपियर्स कंट्राडिक्टरी दैट लॉ मेकर्स, कि जो लॉ मेकर्स हैं बेसिकली वाइल बीइंग अवेयर ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, उनको पता है कि ये जो दूध बच्चों को माँ पिला रही है ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है उनको कितनी प्रॉब्लम्स हैं, इसके बावजूद जो है वो अप्रूव कर देते हैं ऐसी लेजिस्लेशन जिससे जो है औरतों को क्या हो, यानी कि ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लग सकें कि वो सब्स्टिट्यूट पहनना इस्तेमाल कर सकें। तो बहरहाल कहता है कि ये डैड सूट्स देयर पर्सनल प्रोफेशनल एंड फिजिकल नीड्स व्हेन असेस टू नर्सिंग देयर चिल्ड्रन, यानी कि ये फाइनल बात वो ये कहता है इसके अंदर, बात ये है कि ये पता भी है लॉ मेकर्स को कि जो माएँ हैं उन वो हर टाइम बच्चों को अपना जो है ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा सकती, मुख्तलिफ किस्म की इश्यूज हैं प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इस तरह के लॉ बना देते हैं, तो ये सही बात नहीं है, ऐसे लॉज नहीं बनाने चाहिए। तो बात हमने इसके अंदर की वुमेन की ब्रेस्ट फीडिंग की, हेल्थ की, वर्कफोर्स जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी, और इकोनॉमी की भी साथ। तो आप इसको वुमेन्स को लेकर आप बात कर सकते हैं, हेल्थ की बात हो जाती है, वुमेन जो है बेसिकली एक इम्पोर्टेंट रोल है पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। हाफ जो तकरीबन आपकी पॉपुलेशन है वो औरतों की है, तो जब हाफ पॉपुलेशन औरतों की है तो मैं इस अपना ओपिनियन यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा, मेरा समथिंग डिफरेंट है। बहरहाल जो पेपर पर्सपेक्टिव में लिखा जा सकता है, जो इन आप बुक्स में पढ़ते हैं, जो इस 21st सेंचुरी का ओपिनियन है वो मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगा, अपना नहीं, मेरा डिफरेंट है जरा, ठीक है। वो क्या ये है कि जनाब यदि ये जो 50% है इनको आप लोग जो है काम पे लगाओ, वर्क फोर्स में ये आए, ठीक है, और वर्क फोर्स में ये आएंगी तो काम करेंगी तो इकोनॉमी बेहतर होगी, और इकोनॉमी बेहतर होगी पैसे कमाएंगी, आपके घरों की इकोनॉमी बेहतर होगी, आपके पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी, ये है 21st सेंचुरी का स्लोगन। एंड मेरा ये है कि देखें ए एंड बी दो पार्टनर हैं, मियाँ बीवी, इनके दो हैं, तीन बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, ये भी काम पे चला जाता है, ये भी चली जाती है, दोनों पैसे कमाते हैं, ये तीन बच्चे जो हैं ये यहाँ पर फैमिली में, अब इनको कौन पालेगा, फिर ये डिफरेंट सोर्सेज इस्तेमाल करेंगे, जैसे
डे केयर सेंटर्स हो गए और मसीहें वगैरह जो भी, यानी कि बट माँ का अल्टरनेट देर इज नॉट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, माँ का अल्टरनेट नहीं है। तो फिर ये जो तीन बच्चे अल्टीमेटली ये भी बड़े हो जाएंगे, ये भी पैसे कमाने जाएंगे। फिर वो जो एक एसोसिएशन है ना, जो इस्लाम की जो एक सोसाइटी है जिसके अंदर एक कल्चर, हमारा एक जो इंसानियत है वो खत्म हो जाएगी। मटीरियलिज्म हम प्रमोट कर रहे हैं बाय दिस एक्टिविटीज। मियाँ बीवी के दरमियान मटीरियलिज्म, मियाँ बीवी और बच्चों के दरमियान, पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान मटीरियलिज्म। तो ये जो मटीरियलिज्म की दौड़ है ना, इसके अंदर वो जो फीलिंग्स है ना ह्यूमैनिटी की, वो नहीं फिर डेवलप होती। शोहर जाए कमाए, बीवी जो है वो बच्चे अपने संभाले। हाँ अगर जो है उसकी कमाई इतनी नहीं है कि जिंदगी अच्छे से नहीं गुजर रही, देन शी कैन आल्सो, वो भी उसके साथ पार्टिसिपेट कर सकती है। बट इन तीनों को स्पेशल जरूरत है आपकी अटेंशन की। बहरहाल ये मॉडल जो है, इस मॉडल को वैसे क्रिटिसाइज किया जाता है। और क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है? बिकॉज मेजोरिटी इज अथॉरिटी, 21st सेंचुरी सारा कुछ यही कहते हैं कि ये करो ये करो ये करो, इस तरह पैसा आएगा, पैसा आएगा तो जिंदगी बेहतर हो। तो आपने भी यही अप्रोच फिलहाल रखनी है। एंड आगे आप चलते हैं अपनी नेक्स्ट की तरफ, अंडरस्टैंडिंग चेंज। इसके अंदर वो बात करतेगा कराची शहर की आपके साथ, और बात ये करेगा कि जनाब कराची जो शहर है ना, वो इस सादा सा मैं अगर आपको समझा दूं ना, वो ये है कि ये कराची है। अब यहां पर चेंजेस आ रही हैं, चेंजेस ये आ रही हैं कि पहले लोग जो थे, ये जो एरियाज हैं कराची के, वहां पर जो जैसे सैडों पे जो है एरियाज है, वहां पर एक नेबरहुड सिस्टम था, मोहल्लादारी थी। अब वो लोग कर रहे हैं तरक्की। जब लोग तरक्की कर रहे हैं ना, ये वाले लोग तरक्की कर रहे हैं, ये जा रहे हैं आगे की तरफ, और अब ये जो दूर के एरियाज के लोग हैं ये अब आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसके साथ साथ ये लोग तो यहाँ से आगे की तरफ जा ही रहे हैं, लेकिन ये वाले जो एरिया से, यहाँ पर भी बिल्डर्स क्या कर रहे हैं, इन लोगों को, इन चीजों को, मकानों को तोड़कर यहाँ को भी इसको कमर्शलाइज करते जा रहे हैं। तो ये जो मोहल्लादारी सिस्टम है ना, ये खत्म होता जा रहा है। नेबरहुड फीलिंग्स, सोशलाइजेशन, ये खत्म होती जा रही है, मटीरियलिज्म बढ़ता जा रहा है। तो ये बेसिकली वो इसके अंदर आपके साथ डिस्कस करता है। बात क्या करता है? बात ये करता है, चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द बिल्ट इन्वायरमेंट, कराची लो एंड मिडल इनकम नेबरहुड्स, द इंक्रीज इन, क्यों हो रहा है, क्यों जो है कराची की जो इन्वायरमेंट है, इर्द गिर्द जो हम मोहल्ले हैं वो खत्म होते जा रहे हैं और वो कमर्शलाइज होते जा रहे हैं। ये छोटे छोटे जो मोहल्ले हैं ये कराची के इर्द गिर्द, ये खत्म होते जा रहे हैं और इनका बनते जा रहे हैं प्लाजे, एसोसिएशन खत्म होती जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कराची में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, माइग्रेशन बढ़ती जा रही है, अर्बनाइजेशन होती जा रही है, मिडिल क्लास जो है वो ताकत बढ़ रही है। तो मिडिल क्लास जब बढ़ती है तो वो यहाँ से उठते हैं आगे चले जाते हैं, यहाँ से उठते हैं आगे चले जाते हैं। तो ये वाले एरियाज खाली हो जाते हैं, इनको बिल्डर्स मिटाते हैं और यहाँ पर कमर्शियल सोसाइटीज बना देते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, फैमिली स्ट्रक्चर जो है उसमें तब्दीलियां आ रही हैं। ये कुछ कहता है फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कराची की जो इन्वायरमेंट है, इर्द गिर्द का इलाका है, वो तब्दील हो रहा है। 1980s में कहता क्या, या इससे पहले क्या होता था? इससे पहले ये होता था कि मल्टी स्टोरीज जो थी ना वो कॉमन नहीं थी, ठीक हो गया, वो बहुत कम थी इन वाले इलाकों में, लेकिन अब जो है कॉमन है, ठीक है ना, आर नो कॉमन। अनलाइक द 1980s एंड अर्लियर्स मल्टी स्टोरीज, अब जो पहले इतनी वहां पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स नहीं थी, लेकिन अब वहां पर बहुत ज्यादा आम हो चुकी है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है ना। अब जो है, और पहले ये होता था कि वहां पर नेबरहुड था, सिस्टम था, एक घर जो था उसके 2 से 3 कमरे होते थे, और यहाँ पर फिर वो पूरी स्टोरी लिख देता है उनका जो था, 2 से 3 कमरे होते थे, जो मैरिड कपल होता था उसको एक रूम मिल जाता था, एक वालदन को रूम मिल जाता था, वालदन बच्चों के साथ रहते थे। और जो है फिर क्या होता था जनाब अली, वहां पर आपके जो बाथरूम है वो कॉमन होते थे, किचन कॉमन होता था, फिर जब किसी की शादी करनी होती थी जो नेक्स्ट फ्लोर बना लेते थे और फिर उसकी शादी कर देते थे। तो इस तरह से सिस्टम जो है वो चलता रहता था। फिर अगर किसी को रिटायर कोई हुआ बंदा, तो वो भी क्या करता था, ऊपर एक और फ्लोर बना लेता था, रेंट पे चढ़ा देता था। तो जस्ट लाइक दिस जो थी काम जो है चलते थे। लेकिन अब वहां पर सिचुएशन चेंज हो चुकी है, अब वहां पर आ चुके हैं जनाबी अली आपके डेवेलपर्स। अब डेवेलपर क्या करते हैं, वो जो भी है परचेज कर लेते हैं, जो भी टूटे फूटे मकान है उनको पूरे का पूरा उसको तोड़ देते हैं, और वहां पर एक बड़ी सी जो मल्टी फ्लोर जो है एक बिल्डिंग जो है वो खड़ी कर देते हैं, ठीक है ना। और फिर आगे ये अब वहां पर हो रहा है, और इस वजह से अब आपको वहां एरिया जो है ना कराची के इर्द गिर्द के, वहां पर ज्यादा ज्यादा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं।
कहते हैं नंबर ऑफ हॉर्सेज इन नेबरहुड वाज लिमिटेड, पहले थोड़े से नंबर ऑफ हॉर्सेज होते थे, ठीक है ना, और जो पहले जो था कहते थोड़े से घर होते थे और लोग सब एक दूसरे को जानते भी थे, लाइफस्टाइल बड़ा सादा सा था, मोहल्लादारी का सिस्टम था, ठीक है ना, और इसके साथ साथ वहां पर जो था लोग और सोशली लाइफ जो थी उन लोगों की, यानी कि मोहल्ले के सारे लोग मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे को जानते थे, यहाँ तक कि वहां पर जो बच्चे होते थे वो भी सबके कॉमन ही होते थे, उनके सामने ही एक दूसरे के घरों के में आना जाना, और अगर किसी का बच्चा जो है वो गलत काम करता था, सिगरेट पीता था, तो उसको रोका भी जाता था, पूरा मोहल्ला भी उसको रोकता था, लेकिन कहता चेंज जो है उसको नहीं रोका जा सकता। लोगों का एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो गया, लोगों ने अच्छी एजुकेशन हासिल कर ली, लेवल एजुकेशन का बेहतर हो गया, जब लेवल अच्छा हो गया एजुकेशन का तो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी बेहतर हो गई, जब जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज बेहतर हो गई तो लोगों को फिर डिजायर हुआ कि अपना लाइफस्टाइल उसको भी चेंज किया जाए, तो फिर जब लाइफस्टाइल अच्छा करना था तो वहां पर जो बच्चे थे उन्होंने अपना मोहल्ला छोड़ा और अगले इलाकों में शिफ्ट हो गए, जो अलीड क्लास के इलाके थे, जिसका यहाँ पर वो नाम लिखता है, जिनमें से एक DHA का भी वो नाम लिखता है, तो मैंने वो ज्यादा डीपली जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक कंसेप्ट देना जहाँ पर बात थे कि वो उन इलाकों में चले जाते हैं, जब वो उन इलाकों में चले जाते हैं तो फिर ये इलाके खाली हो जाते हैं, इन इलाकों में फिर क्या होता है कि ये दूसरे जो इसके साथ और दूसरे गरीब इलाके थे वहां से लोग उठकर आ जाते हैं, औरंगी से, मार्टन से, जमशेद से, इन ओल्ड गोलीमर से, इन इलाकों से उठकर लोग यहाँ पर आ जाते हैं। अब वहां पर क्या होता है कि वहां पर जो बूढ़े हैं वो तो पुराने हैं और यहाँ से बाहर से आने वाले लोग जो है वो नौजवान है, ठीक है, और वहां पर बूढ़े जो है वो पुराने रह गए, यहाँ के जो नौजवान थे वो तो तरक्की करके वो आगे शिफ्ट हो गए, बूढ़े वहां पर वापस रह गए, और पीछे से जब ये स्पेस थी तो यहाँ पर पीछे से जो पिछले इलाकों से उठकर नौजवान यहाँ पर आ गए, ठीक हो गया। तो ये जो चीज थी ना, फिर इससे क्या हुआ, ओनरशिप जो थी ना नेबरहुड्स की वो खत्म हो गई, ठीक हो गया, सोशलाइजेशन जो है वो खत्म हो गई, पहले तो सारे एक दूसरे को जानते थे, अब इसी तरह से वो कहता है कि जो पानी है ना रेन वाटर जो है वो भी मिसमैनेज वहां पर हो रहा है, फ्लडिंग वहां पर आ चुकी है वेरियस नेबरहुड्स के अंदर, क्यों आ रही है, वो इस वजह से कि अब वहां पर जो है ना वो आप कह लें कि नाकस किस्म का इंतजाम है, जो मोहल्लादारी है उसके ऊपर लोगों का इतना फोकस भी नहीं है, सारे अपने अपने कामों में मसरूफ हैं, और इसके साथ साथ जो प्राइवेट रेजिडेंशियल स्पेसिस है ना वो जो है आस्ता आस्ता उनको कमर्शियल स्पेसिस में शिफ्ट किया जा रहा है, अब जो वहां पर पुराने शहरी हैं वो विलिंग नहीं है कि अपनी प्रॉपर्टी को बेचें डेवलपर्स को, लेकिन जो डेवलपर्स हैं वो बड़ी तेजी से चाह रहे हैं कि हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी मिले और हम उसको कन्वर्ट करें रेजिडेंशियल स्पेसिस के अंदर, जैसे स्कूल, ऑफिस, गेस्ट हाउसेस, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर हम इसको क्या कर दें, कन्वर्ट कर दें। अब वो कहता है कि तकरीबन 40 साल पहले जो यहाँ पर स्ट्रीट थी, नेबरहुड स्ट्रीट थी, वो उनको ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, इन नेबरहुड कराची के जो नेबरहुड के मोहल्ले हैं ना साथ साथ वहां पर जो इन स्ट्रीट्स को लोग जो है ग्राउंड के तौर पर बच्चे इस्तेमाल करते थे, पोस्ट डिनर के बाद वहां पर बैठकर जो बूढ़े हैं गपशप लगाया करते थे, लेकिन अब जो है सिचुएशन चेंज हो चुकी है, सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं बहुत ज्यादा, क्राइम और वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और अब जो है लोग जो है घरों में रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, घरों से बाहर नहीं निकलते, और इसके साथ साथ जो स्ट्रीट्स है ना अब उनको पार्किंग व्हीकल्स को पार्क करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और यहाँ पर वो कहता है कि पार्किंग स्पेस जो है एक और जो है एक नया एरिया आ चुका है, जिसकी वजह से जो इन इलाकों के अंदर, इन नेबरहुड्स के अंदर जो है आपस में लड़ाई झगड़ा भी लोगों का हो जाता है, और फिर वो कहता है जो ट्रेडिशनल प्लेसेस ना सोशलाइजेशन की वो खत्म होती जा रही हैं, यानी कि जो मोहल्ले थे जहां पर लोगों का मेल जोल था, गपशप थी, वो खत्म होते जा रहे हैं, चबूतरे खत्म हो गए, चौक खत्म हो गए, अब सोशलाइजेशन, पोलिटिकल डिबेट्स ये सारी खत्म हो गई, ठीक है ना, और अब जो है चेंजिंग नेचर ऑफ नेबरहुड इन कराची इज शेपिंग अर्बन डेवलपमेंट इन द सिटी, यानी कि अब ये जो मोहल्ले थे ये शिफ्ट होते जा रहे हैं और इनकी जो शक्ल है वो बदलती जा रही है, और इनकी शक्ल क्या बनती जा रही है, अर्बन टाइप, अर्बनाइजेशन होती जा रही है, और ये जो लाइफ है सिटी की और रेजिडेंट्स की उसको क्या कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है। तो कहता है कराची को बनाने के लिए लिवेबल, इक्विटेबल, सस्टेनेबल, कंडसिव, तो क्या करना पड़ेगा, जो वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा द डायनामिक्स को, और चेंज इज क्रूशियल फॉर अर्बन प्लानर्स, एंड और खास बात जो जो अर्बन प्लानर्स हैं और पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस चीज़ के ऊपर फोकस करें कि जनाब अली क्या हो रहा है कि कराची के अंदर जो थे इनके मोहल्ले थे, जो नेबरहुड्स थे, जो बड़ा एक सोशलाइजेशन का एक माहौल था, वो खत्म होता जा रहा है, अर्बनाइजेशन होती जा रही है और प्लानिंग के बगैर होती जा रही है, तो इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है।
इस ओपिनियन के अंदर हमने बात की कराची की, नेबरहुड की, मूवमेंट की और न्यू नेबर्स की, कि किस तरह से कराची जो है उसके सराउंडिंग एरियाज जो हैं वो भी क्या होते जा रहे हैं, कमर्शलाइज होते जा रहे हैं विद पैसेज ऑफ टाइम। और अल्टीमेटली फिर इससे क्या होगा, वहां पर और ज्यादा जो सोशल इश्यूज हैं जो कि अर्बनाइजेशन की वजह से पैदा होते हैं वो पैदा हो जाएंगे, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, एजुकेशन की फैसिलिटीज कम हो जाएंगी, हेल्थ की फैसिलिटीज कम हो जाएंगी और बड़ा कुछ हो जाएगा। आगे चलते हैं जी, आगे है आपका इमरान खान रेस्टोरेशन। अब ये क्या है जी, बेसिकली ये है जी इमरान खान जनाबी अली दोबारा से जो है राइजिंग फ्रॉम द डेड, ये बात करेगा इमरान खान के बारे में और बाद में ये डिस्कस करेगा आपके साथ कि इमरान खान के बारे में ही बात होगी, इमरान खान और पाकिस्तान। तो ये एक पर्सनालिटी बेस्ड ओपिनियन समझ लें कि इमरान खान की जो गवर्नमेंट रही है उसके अंदर थोड़ा सा क्रिटिसाइज करेगा कि इमरान खान ने क्या क्या किया था, ज्यादा उसी के ऊपर इसकी बात होगी। तो कहते हैं कि फरवरी 8 जो था क्या होता है, बजाय इसके कि डेमोक्रेसी को कम स्ट्रॉन्ग किया जाता तो फरवरी 8 में बस कुछ नहीं हमें देखने को मिलता, पावर जो है वो इकट्ठी की गई है, जिस तरह के एक घोड़ों की रेस थी हॉर्स ट्रेड हुआ, बस उसके अलावा फरवरी 8 को आपको पता है इलेक्शन हुआ तो कहता कुछ नहीं हुआ, बस यही हुआ है कि पावर जो है वो ले ली गई है और डेमोक्रेसी नहीं बस स्ट्रांग हुई, आपको भी पता है क्यों हुआ। बहरहाल कहता टीवी के ऊपर ये लोग क्या करते रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो लैंग्वेज यूज करते थे वो बड़ी गंदी सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते, और कभी भी इन लोगों ने कोई ऐसा प्लान नहीं दिया, यानी कि क्या होता है ये टीवी है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बंदा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का एक बंदा और एक जो है पीटीआई का एक हो गया, एक एंकर होगी इनकी, चलें ये एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन शुरू हो गई, ये एक दूसरे को बस गाली मलोज क्रिटिसिज्म, तू ऐसे वो ऐसे ये ऐसे ये बात करते रहते हैं। इन लोगों ने कभी जो है प्लान्स की बात नहीं की कि हम कम्युनिटी को कंट्री को क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनका हल क्या करेंगे, ठीक है ना। और ये सिर्फ पार्लियामेंटेरियन सिर्फ आते हैं अपनी जो है वेल्थ को और पावर को बढ़ाने के लिए, इसके अलावा इनके पास कोई मकसद नहीं होता। पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पीटीआई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनके जो मैनिफेस्टोस थे ना वो कोई इतने वेल डिफाइंड इनके पास एजेंडेज है ही नहीं, इम्प्लीमेंटेशन करने वाली स्कीमें भी नहीं है। हम लोगों ने अपने ओपिनियंस के अंदर इनकी मैनिफेस्टोस को भी डिस्कस किया था इलेक्शंस के दिनों में, और हमने देखा था कि ये जो बातें करते हैं तो सिर्फ बातें हैं, इनके पास कोई एक्शन प्लान नहीं है, इनको क्लैरिटी नहीं है। पहली बात तो ये मैनिफेस्टो इन्होंने बिल्कुल जो है आखिरी दिनों में जाकर दिया, जस्ट लाइक अ फॉर्मेलिटी दिया, कोई जरूर उन्होंने उस तरह से नहीं दिया जिस तरह से इनको देना चाहिए था। तो बहरहाल वो कहता है ये मैनिफेस्टोस बस क्या है, फॉर्मेलिटीज हैं, इम्प्लीमेंटेशन करने वाली इनके पास स्कीमें होती ही नहीं। यहाँ पर क्या है पाकिस्तान में, अगर आप जो है पर्सनैलिटी कंटेस्टेंट्स हैं, सेक्टेरियन एंड ट्राइबल एफिलियशन है आपकी, पैसे पुसे आपके पास हैं, रिश्वत आप दे सकते हैं, अच्छे कबीले से आपका ताल्लुक है, ठीक है ना, या आप किसी फिरके के अच्छे खासे जाने जाने वाले हैं, तो आपको जो है अल्टीमेटली वोट भी मिल जाएंगे, आप पावर में भी आ जाएंगे। प्रॉब्लम्स पाकिस्तान की क्या है, इकोनॉमी की, ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स है, और इसके अलावा वह कहता है कि यूथ की जो बढ़ती हुई आबादी है वो मायूस हो चुकी है, ट्रस्ट खत्म हो चुका है जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और आर्मी से, तो ये किस तरह से आप लोग ये जो है डेवलप करेंगे। शुरू की बातें कर रहे हैं तो वो एक्सप्लेन करता करता फिर आएगा मेन बात के ऊपर। तो फरवरी 8 को कहता है क्या होता है कि पीटीआई का जो लीडर था जेल में, वो अब पाकिस्तान का सबसे मशहूर पॉलिटिशियन बन चुका है। इद्दत केस कहता है क्या है कि जोक है उसके लिए, जोक ही कहता है सारी पाकिस्तानियों के लिए। 2018 में कहता है एस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश करके इसको क्या किया, हीरो बना दिया, ठीक है ना, खान को। और अब जो है खान जो है जो कहता है कि जो कि थोड़े अब जो है खान इनके लिए मुश्किल बनी हुई है, पहले इन्होंने 2018 में एस्टेब्लिशमेंट ने खुद ही उसको क्या किया था, हीरो बनाया था। तो कहता है खान अब जेल में है, अगले आने आने वाले कुछ दिनों में या महीनों में या सालों में वो बाहर आ जाएगा और पाकिस्तान के ऊपर जो कह लें कि काले साए छाए हुए हैं उनको वो पीछे धकेलेगा। बहरहाल उसके बाद कहता है कि इमरान खान का जो दौर था उसकी बात करते हैं, अगस्त 2018 की और 2022 की। कहता है इसने अपॉइंट किया पंजाब का चीफ मिनिस्टर ऐसा बंदा जो इस काबिल ही नहीं था, फिर इसने SIS का ISI इंटर सर्विस इंटेलिजेंस आपकी जो एजेंसी है उसका हेड इसने एक जनरल को बनाया, डिसमस कर दिया HEC के चेयरमैन को तो ये कुछ इसने काम किया, और इसके अलावा इसने क्या किया,
इसलिए जब ये पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो रिलीजियसली इंस्पायर्ड जो टेररिस्ट थे ना, वो बड़े उन्होंने अच्छा फील किया। इसने तहरीके तालिबान के जो फाइटर्स थे उनको अकोमोडेट किया जो कि अफगानिस्तान भाग के चले गए थे, उनको वापस बुलाया, नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर उनको सेटल करवाया। एंड अल्टीमेटली इसने कह लिया, इतने तो नहीं करवाया, एस्टेब्लिशमेंट जो थी उसकी कह लो के रजामंदी से ही करवाया, लेकिन ये काम इन्होंने किया। आप कहता ये वही टीटीपी वाले थे जिन्होंने एक डिकेड पहले 2013 में सुसाइड अटैक किए थे चर्चिस के ऊपर पिशावर में, और बाद में इसी ने एक साल बाद जो है पाकिस्तान के अंदर भी बाद में क्या किया था, इनके साथ इन्होंने क्या किया, पीस टॉक्स किए, एंड देन जो है एक साल बाद तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने 100 यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर अटैक किया और 141 बच्चे जो है उनकी डेथ हो गई। तो ये सारे जो वही हैं, और इन्हीं को बाद में ये क्या किया, इन लोगों ने वापस लेकर आए और इनको कहा आप लोग यहाँ पर सेटल हो जाएं नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर, और अब यही हमारे लिए वबाले जान बने हुए। यू टर्न के लिए कहता है ये बड़ा इसका मशहूर था, इसका निक नेम था, क्यों, क्योंकि 130 प्रोमिसेज जो इसने लिए थे 4 साल के अंदर उसके ऊपर इसने यू टर्न ले लिया था। एक एग्जाम्पल ये थी कि ये कहता था हम IMF के पास नहीं जाएंगे लोन लेने के लिए, लेकिन ये फिर गया IMF के पास लोन लेने के लिए, ठीक है ना। और इसके साथ साथ इसके दौर में जो पीखा ला था उसके ऊपर बड़े इसने रिस्ट्रिक्शन और उसको जो है टाइट कर दिया, और इस वजह से क्या है, अब ये पीका भी बता देता हूँ, ये एक ला बनाया गया था आई थिंक सो, वैसे तो नवाज शरीफ के दौर में 2016 में को इम्प्लीमेंट किया गया, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स के ऊपर ये बनाया गया था, ठीक है ना। इसको और टाइट इसने कर दिया इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स का। मैं सादी सी मिसाल आपको दे देता हूँ कि अगर कोई एंकर बैठ कर किसी की पॉलिटिशियन की या किसी की क्या करता है, बेइज्जती करता है या बातें करता है, फजूल किस्म का क्रिटिसाइज करता है, तो उसको सजा दे दी जाएगी, ठीक है। ये बेसिकली जो है मीडिया की जुबान को ताला लगाने के लिए बनाया गया था। तो इसके इमरान खान के दौर में मैं कहता है इसको और टाइट कर दिया गया और इसके अंदर चेंजेस कर दी गई, और अब ये इमरान खान वाले पीटीआई वाले जो है खुद इसी के शिकंजे में फंसे हुए हैं। लेकिन कहता है जब ये काम किया गया ना, इसको और टाइटर कर दिया गया, तो उससे जो पाकिस्तान की रैंकिंग है ना वो कम हो गई, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भी कम हो गई, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स उसमें भी पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो नीचे आ जाती है। अब इसके बाद इमरान खान साहब ने एक और सिंगल नेशनल करिकुलम इंट्रोड्यूस करवाया था, तो कहता है ये भी जो है कि नेगेटिव इम्पैक्ट था, ठीक है ना, ओपा खान की जो सर्विसेज पाकिस्तान को दी थी ना उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी था सिंगल नेशनल करिकुलम। सिंगल नेशनल करिकुलम बेसिकली उन्होंने बनाया था कि वन नेशन, ठीक है ना, और वन करिकुलम, ये एक स्लोगन था कि एक नेशन है तो सारे जो है वो इकट्ठे ही पढ़ेंगे, एक ही चीज पढ़ेंगे। लेकिन कहता है कि ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि पब्लिक और प्राइवेट स्कूल जो है उन सब के अंदर एक ही करिकुलम पढ़ाया जा रहा था, लेकिन एक्सेप्ट सुपर एलीट जो स्कूल थे उसके अंदर ये काम नहीं था, उन्होंने अमेंडमेंट करवा ली थी बाहर। अब इसके अंदर वो जो राइटर क्रिटिसिज्म करता है वो ये कहता है कि ये जो करिकुलम था ये मदरसा टाइप था, ठीक है ना, यानी कि इसके रिलीजन का टच बहुत ज्यादा था, रिलीजियस मटेरियल बहुत ज्यादा था, लेकिन स्किल वगैरह कोई नहीं थी। तो आने वाली नस्ल के पास रिलीजन का मटेरियल है, स्किल कोई नहीं है, ठीक है ना। तो ये इस वजह से इसको क्या कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है सिंगल नेशनल कुरुकुलम को। और इसके बाद कहता है कि जो ब्लाइंड फॉलोअर्स है इमरान खान के वो तो यही समझते हैं कि जो अमेरिका की कंस्पिरेसी है वो बिल्कुल ठीक है। मैं जो उसने कहा था इसको जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से इसको नीचे गिरा दिया गया इसकी गवर्नमेंट को 2022 के अंदर, तो जो इसके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं इमरान खान के वो कहते हैं हाँ बिल्कुल उस सही कह रहा है, जब इसने जो है 2022 के अंदर एक जलसे के अंदर एक डॉक्यूमेंट अपना हला हला के लोगों को दिखाया कि जो है मुझे जो है अमेरिका ने साजिश करके जो है पावर्स मेरी खत्म की है, मेरी गवर्नमेंट को उलटाया है। तो ब्लाइंड फॉलोअर्स तो सही कहते हैं, ये बिल्कुल सही कह रहा था, लेकिन यही खुद ही इसने वीक्स लेटर बाद में जो अमेरिका के ऊपर इल्जाम लगाया था उसको वापस ले लिया, और बाद में इसने इल्जाम लगाना शुरू कर दिया जो बाजवा साहब है उनके ऊपर, नवाज शरीफ साहब के ऊपर, जरदारी के ऊपर, और मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर, कि ये जो है असल ये है जिन्होंने मेरी गवर्नमेंट जो है वो गिराई है। आगे वो कहता है कि पीटीए की जो इलेक्टोरल विक्ट्री है उसको मणिशंकर आया यार जो है वो क्या कहते हैं, आपको पता है कि अब नेशनल असेंबली के अंदर 100+ सीटें जो है पीटीआई की बैक, जो बैक जिनकी बैक पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की बैक पे पीटीआई खड़ा है उन्हीं ने जीती है। तो इसी के ऊपर जो जो मणिशंकर हैं जो इंडिया के हैं पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि February 8, 2024 द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिफीटेड देयर आर्मी, ठीक है ना, एज एट ए सुपरफिशियल लेवल यस पीटीआई सपोर्टर्स डिड वोट अगेंस्ट जर्नल्स, कहता है कि बिल्कुल वो सही कह रहे हैं।
ये आप पाकिस्तान जो वोट बाज बाज बंदे यही कह रहे हैं कि वोट इमरान खान को नहीं पड़ा, वोट पड़ा है एंटी एस्टेब्लिशमेंट, लोगों ने असल में ये जो एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की इसके अगेंस्ट वोट डाला है, लोगों ने नवाज शरीफ क्यों नफरत में जो है इमरान खान को वोट दिया है, इमरान खान को वोट इस वजह से भी पड़ा है। और ये बात वाकई ही मानी जा रही है कि पीटीआई के सपोर्टर्स ने बिल्कुल जो जनरल्स के अगेंस्ट वोट डाला है, और स्पेशली आपको पता है 9 मई में जो पाकिस्तान में वाकयात हुए थे जिसमें जो है उन्होंने कहा कि आर्मी की जो है मुख्तलिफ चीजें उनको आग लगा दी गई तो क्रैक डाउन शुरू कर दिया गया, तो कहता ये उसके तासुब में कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है जो हमेशा से पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर इंटरफेरेंस कर रही है, तो उसको काउंटर करने के लिए ये वोट डाला गया था। और फिर यहाँ पर वो कहता है कि इमरान खान अक्सर कहते थे ओनली एनिमल्स ही फेमसली डिक्लेयर कैन बी न्यूट्रल, एनिमल्स न्यूट्रल हो सकते हैं इंसान न्यूट्रल नहीं हो सकता, और न्यूट्रल्स आपको पता है यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट को ही कहा जा रहा है कि जब वो कहती थी कि मैं न्यूट्रल हूँ तो मैं तो किसी के पॉलिटिक्स के अंदर नहीं आती, ठीक है मेरा तो न्यूट्रल रोल है। बहरहाल वो कहता है पाकिस्तान की इन प्रॉब्लम्स में है एम्प्लॉयमेंट है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आ जाता है, रूल ऑफ लॉ है, और पब्लिक सर्विस जो है वो डाउन होती जा रही है, तो पॉलिटिकल मेच्योरिटी रिमेन अ डिस्टेंट गोल फॉर पाकिस्तान, पॉलिटिकली पाकिस्तान अभी मेच्योर नहीं हो रहा, ये एक बड़ा इशू है। तो यहाँ पर इमरान खान और पाकिस्तान का जो दौरे हुकूमत था उसके अंदर कुछ चीजें थी जो आपके साथ डिस्कस की, और अल्टीमेटली आपने इससे भी देखा कि कहाँ कहाँ पे मुख्तलिफ जो छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जैसे सिंगल नेशनल कोरिकुलम हो गया, पीका हो गया, ये क्यों बनाए गए, क्या नुकसान हो गए, ठीक है, और इसके साथ साथ जो है आप जो है कंस्पिरेसी हो गई, डेमोक्रेसी जो है उसकी बात होगी, वोट की बात हो गई, ठीक है, तो ये चीजें इसी तरह से छोटी छोटी आपके साथ वो डिस्कस करता है। बहरहाल ये था आपका टूडे जो लेक्चर था ओपिनियंस का, और इंशाल्लाह अगर जिंदगी रह गई तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।